गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जंग प्रभजन्त मनुपीतमपीत कृत्यं द्वैपायन विरह कातर आयु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोधिनेतु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत नरञ्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सर्वदा हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जोर से बोलो आज तो एकादशी है नहीं बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्रीलो सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री परीक्षित महाराज ने कलिजुग को चार जगह दिया है। इसका मतलब है कलिजुग में अगर हमें भक्ति करना तो भगवान के नाम लेना तो हमें जीवन में चार नियमों का पालन करनी चाहिए। बोले चार नियम क्या है? पहला नियम है कोई नस्ली वस्तु को नहीं लेनी चाहिए। दूसरी नियम है जीवन में कभी जुआ खेलनी नहीं चाहिए। अगर जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं दिखाया देखो मैं धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर महाराज लेकिन ये जुआ खेल करके मेरी कितनी सत्यानाश हो गई राज्य गया भाई गए अरे भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरना देखना पड़ा 12 साल तक जंगल में भटक गई और 1 साल तक हम लोग ने अज्ञातवास में रहे। अगर कोई जुआ खेलेगा तो उसको इतने नीचा गति हो सकती। इसलिए कभी भी आप लोग किसी को भी आप माताएं तो खेलते नहीं जुआ कभी कभी बच्चे लोग खेलते हैं उनको इस सब जुआ फुआ से दूर रखा करना ठीक है ना। और जो तीसरा है किसी तरह का कोई मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और चौथा चीज ये है अवैध स्त्री संग नहीं करनी चाहिए। जब श्री परीक्षित महाराज ये कलियुग को उन्होंने चार ही जगह दिया लेकिन ये कलियुग खुश नहीं हो रहा था। बोले कहाँ कहाँ मैं ढूंढूं कौन जुआ खेल रहा है कौन शराब पी रहा है कौन मांस खा रहा है कौन अवैध स्त्री संग कर रहा है मेरे को एक ऐसे स्थान दे दो जहां पर हमें ये सारे चीज मिल जाएगा।
ध्यान देकर सुना, इसलिए उन्होंने स्थान दिया सुवर्ण। सुवर्ण मतलब होता है पैसा। अब देख लेना, जहां ज्यादा पैसा होगा ना, ये सारे पाप कर्म वहीं पर। जुआ कौन खेलेगा बोले, शराब कौन पिएगा, मांस हजार हजार रुपया देकर कौन खाएगा हैं? ये सारे गंदे काम जहां पर ज्यादा पैसा होता है वहीं पर आता है। इसलिए बोले लक्ष्मी की दो बहाने हैं। कितने बहाने हैं? क्या क्या? एक उल्लू और एक गरुड़। मतलब क्या है? जब घर में पैसा आए ना, वो उल्लू को पर बैठ करके आता है और हमें उल्लू बना देता है, हैं? लेकिन और एक बहाने गरुड़ है। गरुड़ को ऊपर में लक्ष्मी कभी अकेली नहीं, वो अपना नारायण को साथ में बैठते हैं। मतलब क्या है? लक्ष्मी चाहिए, पैसा के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन लक्ष्मी नारायण की मान करके उसको बुलाओ। क्यों? ठाकुर को सेवा के लिए, उसको अच्छे काम के लिए, गंदे काम के लिए नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कोई बात नहीं करे बीच में, एकदम चुप होकर बैठे सबके साथ। इसलिए श्री परीक्षित महाराज जब उन्होंने मिर्गा करने के लिए गए थे हैं, उस समय उनको इतने उनको प्यासा लग रहा था, मानो प्यास का मारे छाती फट रही थी। एक श्रमिक ऋषि को आश्रम पर गए, उनको पानी मांगे। वो ऋषि भजन कर रहे थे, पानी नहीं दिया तो उनको गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। बोले देश का मैं राजा हूँ, तुम कैसे संत हो? तुम्हारे घर में आए तो थोड़ा पानी भी नहीं पिला सकते हो? इतने में उनको बच्चे को जो पता चला, उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जिसने मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प को डाला, मैं अभिशाप देता हूँ, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन करेगा। जब इसने अभिशाप दे दी, अभी उन्होंने परीक्षित महाराज को सूचित किया, अगर हमें पता चल जाए ना, हम 7 दिन में मरेंगे। बताओ क्या होगा? सुनते तो आधा ही मर जाएंगे। बोले 7 दिन में मर जाएंगे, सब छोड़ छाड़ करके। इसलिए क्या करो, जितने खा पी कर ऐसे करके पैसा घुड़ा लो, 7 दिन बाद में मर जाएंगे। लेकिन देखो परीक्षित महाराज क्या शिक्षा देते हैं। बोले देखो, ये जो जीवन है ठाकुर किस लिए दिया है? भगवान की भजन करने के लिए ठाकुर ने जीवन दिया। ये जीवन खा पी करके ऐसे करने के लिए नहीं, ये जीवन भगवान की भक्ति के लिए। उन्होंने अपना बेटे को उन्होंने राज सिंहासन पर बैठाए और गंगा किनारा में उन्होंने गंगा मन भगवान की चरणों को आश्रय करते हुए उन्होंने वहां पर गए। वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए। बोले आज मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं, मानो ठाकुर का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। देखो कितने संतों का दर्शन है। तब उन्होंने जो प्रश्न की, आज जो मरने वाले, कल परसों बरसों मरने वाले, इनका क्या कर्तव्य है? लेकिन ऐसे कोई ऋषि नहीं थे जिनकी मत ही अलग नहीं था, सब अलग अलग बात कर रहे थे। इतने में उन्होंने ठाकुर का स्मरण किया तो मानो ठाकुर ही जगत में श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में प्रकट हुए। बोले श्री सुखदेव महाराज की। जब श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने प्रश्न की झरी लगा दी। बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि जोगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे ऋषियों, आप कृपा करके बोलो, जो मरणशील व्यक्ति, मतलब हम लोग क्या है, एक दिन जरूर हम शरीर छोड़ेंगे। जगत में कोई नहीं बोल सकता है हम मरने वाले नहीं। ऐसे जो मरणशील व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, हैं? जगत में ऐसे क्या वस्तु है जिसको पाने पर जीव की सारे अभाव पूर्ण हो जाए? जगत में ऐसे क्या वस्तु जगत में, और जगत में क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? आप कृपा करके ये सारे प्रश्नों का उत्तर दो। अभी प्रश्न सुन करके बड़े खुश हो गए। बोले बरियान ऐसे प्रश्न कृत लोक हृतम नृपम। तुमने जो प्रश्न किए ना, बड़े सुंदर तुमने प्रश्न किया है, हैं? जो जगत का कल्याण, क्योंकि संत लोग जो प्रश्न करते हैं ना, वो अपना लिए प्रश्न नहीं करते हैं, जगत के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। क्योंकि संतों का हृदय
कहते शांत हृदय नवनीत समाना। बोले बाप इतने सुंदर तुमने प्रश्न की है, लेकिन ये प्रश्न तुमने बहुत अच्छी की है, ध्यान देकर सुना। कहते ये भगवान हमें ये मानव शरीर क्यों दिया है? कहते जो मानव शरीर नहीं, भगवान राम कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले साधन धा मोमक्ष कार्य द्वारा, जीवन में भगवान की भजन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और कोई भी इंसान के सिवाय किसको बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण बोले, कोई बोल पाएगा क्या? कोई नहीं बोल पाएगा। क्यों? ये मानव शरीर ही भगवत साधन का उपयोगी। लेकिन भगवान कहते हैं मैंने ये मानव शरीर दे दिया, लेकिन जिसने ये जीवन पा करके भगवान की भजन नहीं किया, ठाकुर जी कहते हैं अगले जीवन में फिर सर पीटते रह जाओगे, लेकिन तेरे को ठाकुर जी ये मानव शरीर नहीं दे, ये मानव जीवन मिलेगा नहीं। इसलिए क्या करो, ये जीवन रहते रहते ये जीवन में भगवान की भजन कर लो, भगवान की भक्ति कर लो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे देखो। एक छोटी सी कथा सुन लो, कल सबको मैं पूछूंगा कौन याद किया, ठीक है? जो नहीं बोल पाएगा बीच में खड़े कर दूंगा, ध्यान से सुनो। मतलब एक समय कोई एक अंधा जा रहा था, डंडा टेकते टेकते एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था जिसमें 84 लाख दरवाजा, कितना दर्जा? ये तो अंधा, इसको तो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसमें केवल एक ही दरवाजा खुला था। वो अंधा चलते चलते भूल से कैसे उसी दरवाजे में अंदर में चला गया, उसको तो दिखता नहीं। अभी हाथ लगाता है, एक दो तीन, कितना दरवाजा थी? 84 लाख, और सारे दरवाजा बंद, एक दरवाजा खुला। ऐसे करते 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 बड़े दिनों में वो खुला हुआ दरवाजा में पहुंचा, और वही पहुंच करके सोचने लग गया, अभी तो सारे दरवाजा मेरे को बंद पड़ा हुआ मिला, ये दरवाजा थोड़ी खुला होगा, ये भी बंद हुआ होगा। अरे वहीं पर आके ना थोड़ा खुजली मच गई इसकी, अरे वो खुजलाते खुजलाते जो खुला हुआ दरवाजा वो पार हो गया। पार हो जाएगा तो कौन सा दरवाजा आएगा? फिर बंद दरवाजा। इसका मतलब क्या है? वो अंधा और कोई नहीं, वो अंधे हम हैं, और भगवान को भूल करके ये 84 लाख जन्म में हम भटक रहे हैं। लेकिन सारे दरवाजा बंद है, सारे दरवाजा बंद है, लेकिन खुला हुआ दरवाजा कौन सा? ये मानव शरीर, ये खुला हुआ दरवाजा। लेकिन जब वो खुला हुआ दरवाजा आए, उसने क्या किया? वहीं पर आकर खुजलाना शुरू कर दिया। बोले खुजलाना शुरू करना मतलब क्या है? कहते ये 84 लाख जन्म में जो जो काम करते करते आया था ना, जब भगवान ये मानव शरीर दिया, ये जीवन पा करके उसने वही काम में फिर लग गया। किसमें लग गया? फिर वही काम में उसने फिर लग गया। बोले कौन सा काम है? खाना पीना सोना बच्चे देख कर मर जाना। लेकिन फिर उसने जब जीवन छूट गया,
फिर गया मानव शरीर, फिर उसको 84 लाख जन्म में फिर जाना पड़ेगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित तस्मात सर्वात्मना राजन भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कृतितव्यस्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर जीवन में कोई अभय बनना चाहते, जीवन में कोई भगवत प्राप्ति करना चाहते, क्या करो? तस्मात सर्वात्मना राजन भगवान हरीश्वर, जो हरि जो ईश्वर है उनको 3 काम करो। बोले क्या करो? बोले कानों से भगवान की कथा सुनो, मन से उनका स्मरण करो और मुंह से ठाकुर का कीर्तन करो। लेकिन ये जितने भक्ति के अंगों में जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अंग है भगवान की कीर्तन करना, ठाकुर को कीर्तन करना। और कलयुग में केवल कीर्तनाख्य भक्ति से ही जीव की कल्याण होने वाले। तब श्री सुखदेव गोस्वामी वो वर्णना करते हैं ये सृष्टि की प्रारंभ कैसे हुई। सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से ये पितामह ब्रह्मा सृष्टि हुए। भगवान ब्रह्मा जी को बोले ये सृष्टि का क्रम का तुम प्रारंभ करो। ब्रह्मा सर्वप्रथम उन्होंने चतुसर्ग सृष्टि की। बोले पिताजी क्या आदेश? बोले आदेश है ये संसार का क्रम को धीरे धीरे बढ़ाओ। बोले पिताजी ये संसार बड़ा कठिन है, ये संसार तो बड़ा दुखमय, हम तो चाहते हैं प्रभु का भजन करें और मस्ती में रहे हैं, इसलिए हम नहीं चाहते। बोले क्या? भगवान का आदेश है संसार का क्रम बढ़ाने का, सर्वप्रथम तेरा जन्म हुआ और तू ही सृष्टि करने के लिए मना कर दिया। शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और श्री ब्रह्मा जी की उनकी भ्रूर से श्री भोले बाबा प्रकट हुए। बोले श्री भोले बाबा की। तब उन्होंने बोले पिताजी क्या आदेश है? बोले एक ही आदेश है, संसार का क्रम को बढ़ाओ। लेकिन शंकर तो जोगी जोगी महाजोगी, देव देव महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम, आप कहीं भी देखना शंकर जी की कहीं भी तस्वीर देखोगे, कहीं आप देखना आंख बंद करके बैठे, हर समय शंकर जी प्रभु की भजन में भक्ति में शंकर जी मस्त रहते हैं। भोले बाबा उनकी भी कोई संसार की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन देखा अगर मैंने मना कर दू ना फिर पिताजी तो बिगड़ जाएंगे, फिर बिगड़ जाएंगे तो फिर अभिशाप दे देंगे। बोले ऐसे काम करो ना पिता, अपने आप मना कर दे। उनने जितने भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ की। ब्रह्मा बोले ये सृष्टि कर रहे ना ध्वंस कर रहे, चुप बैठो, जरूरत नहीं इसे सृष्टि की। शंकर जी बोले मैं दे ही जा रहा था। फिर उन्होंने अपना परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि की, फिर 10 बच्चों को सृष्टि की, फिर श्री ब्रह्मा जी अपना शरीर से वाम अंग से शतरूपा और डान अंग से मनु महाराज को सृष्टि की। फिर सृष्टि यहीं से प्रारंभ हुई। उनसे 3 बेटी और 2 बेटे हुए हैं। के 3 बेटी में एक बेटी है देहूति। क्या नाम है? देहूति माता। ये जो माता देहूति है ये बड़ी पतिव्रता नारी, इतनी सुंदर थी देखने में आकृति देहूति प्रसूति। जब आकाश में देवता लोग जाए ना इनकी सुंदरता को देख कर वो भी बेहोश हो जाते थे, मतलब देखने इतने सुंदर थी। तब उन्होंने माता देहूति को श्री कर्दम ऋषि के साथ में शादी हो गई और पिताजी समझा करके गए। बोले देख बेटी, आप लोग भी ध्यान देकर सुनो बढ़िया से। बोले देख बेटी तेरे हाथ में 2 कुल तेरे हाथ में। जैसे घर में कोई बहू आई, अगर सबकी सेवा करे, सबको आदर दे, सबको भक्ति करे ना, क्या बोलते हैं? तेरे पितामह तो बहुत अच्छे, क्या संस्कार तेरे को दिया है, हैं? अगर कोई उल्टा पुल्टा करे तो फिर किसको गाली देते हैं? बोले तेरे पितामह तो यही सिखा कर देकर तो भूल जाए यहाँ पर। अगर अच्छे बने तो दोनों कुल का इज्जत है, अगर गंदे काम उल्टा पुल्टा करे तो किसकी बदनामी? दोनों कुल का ही बदनाम। इसलिए यहाँ पर श्री मनु महाराज बच्ची को अच्छे तरह से लिखा पढ़ा कर सिखाते। बोले देख बेटी ऐसे कोई काम नहीं करना जैसे तेरे पिता के ऊपर में कोई अंगुल उठाए, ऐसे कोई काम नहीं करना घर में, हैं? इसलिए उनको खूब दहेज दे करके उनकी शादी कर दी। जब शादी की, इतने में शादी से पहले भगवान से उन्होंने बोले मेरे 2 शर्त है, ध्यान देकर सुनो। बोले पहला शर्त क्या है? बोले तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, उसको बाद में मैं घर में नहीं रहूंगा, फिर भजने के लिए चला जाऊंगा। बोले ठीक है। बोले दूसरी शर्त क्या? बोले अगर
आप ही ठाकुर जी को बोले अगर आप मेरे बेटे बनकर के आओगे तो मैं घर में शादी करूंगा। बोले कोई बात नहीं, मैं तेरा बेटा बनकर के आऊंगा, बेटा तुम्हारी बनकर के आऊंगा। शादी तो किए लेकिन वो तो भजन करने वाले थे, शादी के बाद में फिर उन्होंने भजन में बैठ गए। उन्होंने फिर 10,000 साल तक भजन में बैठे। अभी पति भोजन नहीं कर रहे, माता सब ध्यान देकर सुनो सब तुम्हारी बात हो रही है। कहते पति अभी भोजन नहीं कर रहे हैं, पति भजन में बैठे हुए, फिर पत्नी क्या करेगी? अभी पति की सेवा करने लग गए। पति तो भजन करता नहीं, इसलिए माता देवती भी भजन नहीं करती है। पति को उन्होंने खूब पति की सेवा की। देखो जो व्यक्ति पति की सेवा करती है बड़ा उसमें शक्ति है, बड़ा शक्ति पति को जो सेवा करते हैं। उन्होंने 10,000 साल के बाद में जो उनका आंख खुली है ना, वो भूल गए मैंने कभी शादी किया है, भूल गए। देखे सामने एक बुढ़िया बैठी हुई, बोले तू कौन हो? बोले अब भूल गए शादी किया था, अब भूल गए शादी कभी किया। तो बोलो तुम वही देवती? बोले हाँ मैं वही देवती हूँ। बोले पति की सेवा करते करते उसने एकदम बूढ़ी हो गई, जो केस में जटाजट बन गया। बोले क्यों? बोले पति तो स्नान नहीं करते हैं, तेल नहीं लगाते हैं, श्रृंगार नहीं करते, पर ये पत्नी कैसे ये काम को करे? पत्नी तो कर ही नहीं सकती। अरे बीच में क्यों बैठे हो? आगे आकर बैठो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो तो जो पीछे आए ना वो पीछे बैठे, जो आगे आए वो आगे बैठे, पीछे आकर बोले पीछे बैठने के लिए आगे चुपचाप बैठो, मुंह में हाथ लगा अंगुल देख रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए उन्होंने पति प्रथा धर्म को जाजन करते हुए जब सेवा की, जब देखा जटाजुट हो गई है। जटाजुट क्यों हो गई? बोले पति श्रृंगार नहीं करते हैं, पर पत्नी कैसे श्रृंगार करे? देखो ध्यान देकर के, हमने अपना गांव में देखा है जो माताएं है ना, हमारे गांव के देखा माताएं, वो दिन में कोई श्रृंगार नहीं करती थी, वो शाम को करती थी। बोले क्यों? बोले स्त्री का जो श्रृंगार किसके लिए? पति के लिए। किसके लिए? दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, किसके लिए? केवल पति को दिखाने के लिए ही पत्नी की श्रृंगार होती है। इसलिए पति तो दिन भर काम के लिए जाता था, वो आएगा शाम को। इसलिए मैंने देखा था हमारे गांव में जितने माता है ना, सब शाम को श्रृंगार करते थे। क्यों? पति काम करके शाम को आएगा। हाँ देखो तुम जो गुजरी है ना, तुम लोगों को धन्यवाद है, क्योंकि तुम जितने जो स्त्रियां है ना, सर के ऊपर जो कपड़ा देकर बैठे है, ये बहुत बड़ी चीज, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। धन्यवाद तुम्हारी गुजरियों के लिए, कम से कम अभी तक तुम अपना संसार को रखा, संस्कार को रखा कर रहे हो, हैं? ये संस्कार को जो रखा कर रहे हैं ना, हैं? तुम लोग धन्यवाद की पात्र है। इसलिए शहर में जाओ कपड़ा खोल कर घूमती है। इसलिए स्त्री का सुंदरता केवल पति के लिए और किसके लिए है ही नहीं, पत्नी की श्रृंगारता। इसलिए हमारी भारतीय जो संस्कृति है, सर पर कपड़ा ओढ़ा, सर पर कपड़ रख करके है अपना पर्दा रखना, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए देखो जो पति की सेवा करती है इसका कितना महत्व। देखो पति व्रता धर्म की। कर्दम ऋषि खुश हो गए, बोले बताओ तेरे को क्या वर चाहिए? बोले भगवान आप ठाकुर जी से क्या वरदान मांगे थे? अगर आप बेटे बन करके आओगे मैं शादी करूंगा। बोले हाँ। बोले बेटा तो हुआ ही नहीं। बोले ये काम करो, ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। बिंदु सरोवर में स्नान करते ही पहले जितने सुंदरी थी ना, उससे भी ज्यादा सुंदरी बनकर प्रकट हुई। 1,000 दास दासियां वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने 1,000 दास दासी प्रकट हुई और उन्होंने एक विमान को सृष्टि की जिसका नाम था कामक विमान। कौन सा विमान? जोर से बोलो। माताएं कोई कथा नहीं सुनती। कोई एक स्त्री अगर अच्छे कपड़े पहन कर आ जाए ना, सब उसको तरफ में देखना शुरू कर देते हैं। इस तरफ मेरे तरफ में देखो, कपड़े क्या देखे नहीं जिंदगी, मेरे तरफ में देखो। इसलिए उन्होंने कामक विज्ञान, कामक विमान मतलब जैसे चाहोगे वो विमान वैसे ही उड़ेगा, उसमें कोई डीजल पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं। उसमें वर्णन आया है इतने बड़ा वो विमान था जिसमें राजमहल है, सुंदर सरोवर है, फूल तरह तरह का खिले हुए हैं, कोयल और मयूर के क्या कर रहे, बड़ा सुंदर विमान था।
और जिसमें बैठो ना कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं बनेगा, जिसमें बैठे तो कभी भूख नहीं लगेगा, ऐसे विमान उसमें अद्भुत है। अभी का जो साइंस है ना, इससे कई गुण ज्यादा बढ़िया साइंस से आगे था, है ना, ये आगे था। अभी उसमें बैठ करके उन्होंने आकाश में भ्रमण करते रहे, बड़ी सुंदर सुंदर उनके नाठ हो बैठी हुई। कर्तव्य ऋषि बोले देवती खुश हो गई नहीं, तेरे नाम ना बेटी हो गई। बोले नहीं बेटिया तो अपना ससुर घर चले जाए, घर मेरे पास में कौन रहेगा, बेटा चाहिए। तब उन्होंने अपना पति की सेवा की, तो फिर भगवान की कृपा से उनको एक बेटा हुआ जिनका नाम पड़ा श्री कपिल भगवान। बोले श्री कपिल भगवान की, लेकिन भगवान से वरदान मांगा था तब तक संसार में रहूंगा जब तक बच्चे नहीं हो जाए, हैं? उसको बाद में फिर मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा। अभी नौ नौ घर में बेटी हो गई। अगर घर में बेटी हुई तो पिता का पहला कर्तव्य है सबसे पहले बेटियों को शादी दे, सबसे बड़ा ही चिंता है ना, बेटियों की शादी देना। आप लोग बेटियों को शादी दिए होंगे, देखना एक बेटी की शादी दो ना पूरा घर खाली हो जाती है। बेटियों को शादी दिए हो, कौन कौन शादी दिए, हाथ उठा दो, शादी दिए हो। ये कुत्ते को यहाँ से भगा दो, भैया कोई है ये कुत्ते को भगाने वाले, भैया कोई कुत्ते को गेट को बाहर निकाल दो। इसलिए लेकिन जिनकी घर में नौ नौ बेटी, आप समझो शादी करना कितना कठिन होगा। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, हैं? इसलिए ठाकुर को आशीर्वाद से ही सब काम अपने आप हो जाएगा। जैसे नरसी भगत की बेटी थी, ठाकुर जी स्वयं सावरिया सेठ बनकर के गए और बड़े धूमधाम से उनकी बेटी की शादी की। अगर हम सही सही भजन करें ना, ठाकुर जी सारी व्यवस्था ठाकुर जी कर ही लेते हैं। एक समय ब्रह्मा जी अपना नौ बेटे को लेकर के आए, इनके नौ बेटे और इनकी नौ बेटी। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। बोले सुबह शीघ्र सुबह काल जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी शुभ कार्य कर दो। एक साथ में पूरा पूरा बेटी को शादी दे दिया, घर खाली। अभी घर में तीन व्यक्ति, पिता माता और स्त्री। लेकिन इतने में श्री कर्दम ऋषि भगवान से वरदान मांगे थे तब तक ये संसार में होगा जब तक घर में संतान नहीं हो जाए। अभी ये भजन करने के लिए जा रहे हैं, तब यहाँ पर हमारे टीकाकार लोगों ने प्रश्न करते हैं, बोले घर में तो तुम्हारी भगवान है, जब घर में ही भगवान है फिर किसको भजन करने के लिए किसको जा रहे हो? देखो ध्यान देकर सुनो, अगर घर में ठाकुर हो फिर भक्ति करने का क्या जरूरत है? क्या देखो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है ना, लक्ष्य भगवान नहीं, लक्ष्य उनका प्रेम, लक्ष्य उनकी भक्ति। अगर भक्ति तुम्हारे हृदय में होगा ना, तुमको भगवान को पास में जाने का जरूरत नहीं, भगवान तेरे पास में आएगा। ये गोपियां कृष्ण के पास में जाते थे ना, कृष्ण गोपियों घर में आते थे, ये कृष्ण रोज रोज गोपियों घर में आते थे और मक्खन चोरी करते थे। ये गोपियां नहीं जाती थी, कृष्ण इनको घर में आते थे। ध्रुव ने जब भजन किया, ध्रुव ने भगवान के पास में नहीं गया, भगवान ध्रुव के पास में आए। इसलिए प्रहलाद नरसिंह देव के पास में नहीं गए, नरसिंह भगवान प्रहलाद के पास में आए। अगर भगवान की भक्ति करेंगे, जैसे जब एक फूल खिल जाए ना, देखना ये फूल भौंरा को पास में नहीं जाता, भौंरा फूल को पास में आता है। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे फिर भगवान स्वयं तुम्हारे पास में ठाकुर जी आएंगे। इसलिए तुम्हारी भक्ति तुम्हारी ठोस भक्ति होनी चाहिए, भक्ति हमारी बढ़िया भक्ति होनी चाहिए। इसलिए बोले हमारी प्रयोजन ठाकुर नहीं, प्रयोजन हमारी भगवान की भक्ति। जैसे रावण को भी राम को देखा है, देखा कि नहीं रावण, मेघनाद में भी राम को देखा है लेकिन भगवान से युद्ध किया। कंस ने भी कृष्ण को देखा है लेकिन कृष्ण को उन्होंने काल रूप में देखा, काल रूप में देखा। शिशुपाल भी कृष्ण को दर्शन किया, भगवान खड़े गाली को पर गाली, एक से एक गाली ठाकुर को उन्होंने निकाल दिया है। इसलिए अगर हृदय में भक्ति नहीं, अगर ठाकुर का दर्शन भी हो जाए ना, इसलिए तुम्हारे कोई लाभ होने वाले नहीं। इसलिए हमारी प्रेम प्रयोजन है। इसलिए श्री कर्दम ऋषि भजन करने के लिए चले गए और माता जी को पता था मेरा बेटा भगवान है। एक दिन माता स्वयं
हम लोगों का हो करके अपना बेटे को भगवान को कहती है, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मेरा मन बड़ा चंचल है, कभी पीहर को घर में, कभी ससुर घर में, कभी बेटा में, कभी बेटी में, दुनिया में। देखना पुरुष लोग तो पैसा कमा करके पत्नी को दे देती है, लेकिन घर को कौन चलाती है? घर को कौन चलाती है? बोलो, स्त्री चलाती है। देखना घर का दायित्व तो ज्यादा स्त्रियों को घर की चिंता रहती है, हैं? लेकिन पुरुष लोग को पैसा कमा करके दे जाते हैं, इसलिए बोले मेरा मन तो चंचल है, कहाँ 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 मेरा मन भटकती है, बताओ मैं स्त्री जाती मेरी कल्याण कैसे होगा। जब उन्होंने प्रश्न की तब भगवान ने अपना माँ को उपलक्ष्य करते हुए उन्होंने भजन की बात बताई, बोले माँ ये जो मन है ये सब कुछ मैंने, जैसे हमारे 10-11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया, समझ रहे हो? कर्म मतलब जिसमें काम करते हैं, ज्ञान मतलब जिससे हम ज्ञान आहरण करते हैं, जैसे आग, कान, चक्षु, त्वचा, लेकिन इनका राजा कौन? बोले मन। जैसे मन ने बताया चलो हरि कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, चलो भागवत कथा सुनने के लिए चले, तब पूरा के पूरा 10 इंद्रियां तुम्हारे साथ में आए। अगर ये मन बोलता अरे क्या जरूरत, घर में बैठो ना, टीवी खोल कर बैठ जाओ, हाँ आज बढ़िया सीरियल आ रही है, टीवी खोल कर बैठ जाओ, फिर अब कथा में आते? इसलिए कहती भैया ये मन को ठीक करो। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, क्या कहते थे, बोले सवेरे उठो और अपना जूती लो, जूती ले कर किसी मन को 100 बार पीटो, मन को कितना बार पीटो? 100 बार। मतलब क्या, ये मन को समझाओ, क्या समझाओ, देखो समय मिले तो इधर उधर की बात नहीं करके भगवान की भजन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, हैं, भगवान की भक्ति करो, इधर उधर झूठ मूठ का चुगल में उसमें लगना नहीं है। इसलिए ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये दुर्लभ जीवन में प्रभु की भजन करनी चाहिए। इसलिए भगवान के तो बोले माँ जब ये मन को हम विषय में लगाएंगे ये मन बंधनक का कारण हो जाएगा, बंधनक का कारण बन जाएगा, लेकिन ये जो मन को जो भगवान में लगाएगा ना ये मन मुक्ति की कारण बन जाएगी। इसलिए माँ भगवान की भजन में मन को लगाओ। बोले बेटा तुमने तो बोल दिया लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। कृष्ण स्वयं, अर्जुन स्वयं कहते द्वापर युग में, हे कृष्ण चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़, ये मन बड़ा चंचल है, कहते वायु को तो रोक सकते हो लेकिन ये मन को रोक नहीं सकते हैं ये मन को, इसलिए क्या करो ये मन से भगवान की भजन करो। बोले मन तो बड़ा चंचल है कैसे भजन करे? बोले माँ अगर तुम भक्ति करना चाहते हो इसकी सबसे सरल उपाय है, बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदौ भवन्ति हृत्कर नरसायन कथा ताजोसन आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिषति। कहती सबसे सरल उपाय है भगवान भक्तों का संग करो, क्योंकि जैसे संग करोगे ना रंग बेस बदलेगा। आप जो शराब पीता है कुछ दिन शराब के साथ शराबी के साथ में बैठ जाओ, क्या करो कुछ दिन में क्या हो जाओगे, पीना शुरू कर दोगे। जो जुआरी खेलते हैं उसको साथ में कुछ दिन बैठ जाओ जुआ खेलना शुरू कर दोगे। जो गंजा फूंकता है उसको साथ में कुछ दिन बैठो क्या करोगे, अरे गंजा पीना शुरू कर दो। संग में देखो छोटी सी कथा सुनो, एक समय एक बहेलिया ने एक घोसला से 2 तोते पकड़े, कितने तोते पकड़े? 2। एक तोता कैसे कि संतों के पास में गया और एक चला गया किसी चोर के पास में। एक दिन राजा जंगल में घूमने गया था, प्यास लग रहा था, अभी पहुंच गया पानी ढूंढते ढूंढते देखा घर को सामने एक पिंजरा में एक तोता, जब वहां पर पहुंचाना तोता तो गाली देना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो मारो मारो पीटो पीटो छीन लो। बोले भैया ये तोता ऐसे कैसे बोल रहा है, वो समझ गया जरूर कोई बदमाश घर है, वो पानी क्या पिएगा, वहां से भागे और थोड़ी दूर गया देखा घर के सामने वहां भी एक तोता है, वहां पर पहुंचते बोले राम राम राधे राधे राजा आइए पधारिए बैठिए ठंडा पानी पीजिए, उसकी मीठी बोल कर। बोले अरे तोता इतने मीठी बोली बोलता है, देखा सचमुच से एक संत अंदर से निकले, राजा को बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाए, मीठा पानी मिला।
तब ये राजा ने पूछे, भैया तुम्हारी स्वभाव ऐसे कैसे हो गया? बोले इसमें हमारी दोष नहीं, दोष है संगत है। जो व्यक्ति दिन भर चुगली उसकी बहू की, उसकी बेटी की, सास की चुगली करते उनके पास में बैठ जाओ, क्या करेंगे? सारा दुनिया की चुगली सुनना शुरू करते हैं। हाँ, सारा दुनिया की। इसलिए दो चार अगर माताएं बैठ जाए ना, बस हो गया। हाँ, उसकी बहू ऐसे की, इसकी घर में ऐसे हो रही है, सब चुगली चुगली। इसलिए क्या करो, भगवान की भजन, ऐसे व्यक्ति को पास में बैठो जिसको पास में बैठने पर हरी चर्चा होगी, ठाकुर की कथा होगी, उसको पास में चल बैठो। और अगर चुगली करने वाले व्यक्ति को पास में बैठ जाओगे ना, चुगली करोगे तो क्या होगा, आप जिसकी चुगली करोगे ना, उसको सारे पाप तुम्हारे ऊपर आएगी और तुम्हारे सारे पुण्य वह ले जाएगी। इसलिए भगवान के तो माँ क्या करो, संतों की संग करो। जब तुम संतों की संग करोगे ना, कथा सुनते 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 क्या होगा, एक दिन तुम्हारे हृदय में ही ठाकुर जी हृदय में बैठ जाएंगे। इसलिए श्रद्धा रति और भगवान के चरण में प्रेम की प्राप्ति होगी। बोले सत्संग से क्या होगा, बोले अ वर्ग वर्तमनि। प वर्ग मतलब होता है प, फ, ब, भ और म, ये प वर्ग है। प मतलब परिश्रम, फ मतलब झांक फेंट, ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय और म मतलब होता है मृत्यु। अगर सत्संग करोगे ना, ये पांच चीज तुम्हारी नष्ट हो, पांच चीज की प्राप्ति होगी। संतों के साथ में बैठोगे तो क्या हो, जो परिश्रम संसार में हम कितने परिश्रम करते हैं, लेकिन देखना है कि भक्त भी परिश्रम करता है, एक साधारण व्यक्ति भी परिश्रम करते हैं। ध्यान देकर सुनो, बात मत करो, देखो अच्छे तरह से सुनो। लेकिन एक संत क्यों, एक घर में जो भजन करता है वो भी देखना दिन भर काम करता है, जो भक्ति नहीं करता वो भी करता है। लेकिन जो व्यक्ति संतों की संगत जिनको मिला है ना, वो भी पैसा कमाता है, साधारण व्यक्ति भी पैसा कमाता है। लेकिन जो भक्त जो पैसा कमाता है, सोच क्या है, ये लक्ष्मी, लक्ष्मी के बिना ठाकुर का सेवा कैसे होगी? इसलिए हम पैसा को कमा रहे हैं ठाकुर की सेवा के लिए, नहीं तो पैसा के बगैर सेवा कैसे होगा। लेकिन एक साधारण व्यक्ति क्यों पैसा कमाता, बोले मैं मालिक हूँ ना, मेरे बीवी बच्चे संसार दुनियादारी, पैसा के बगैर हम क्या खाना खाएंगे, देखो कितना फर्क है। लेकिन एक भक्त जो कमाता है किसके लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए। जो एक भक्त है वो पैसा कमाता है, क्या सोचता है, उसकी पत्नी भी भजन करती है, बच्चे भी भजन करते हैं, और उसकी घर में जो रसोई बनता है, क्यों रसोई बनती है, ठाकुर जी की भोग लगेगा। एक भक्त तो ठाकुर को भोग के लिए बनाता है, लेकिन एक विषय व्यक्ति भोग क्यों बनाता है, आज बढ़िया शाही पनीर मटर पनीर बढ़िया आनंद आएगा, आज बढ़िया खाना हमें खाऊंगा, बच्चे खाएंगे, पति खाएगा, लगेगा जीरो हो गया, वो जीरो हो गया तुम्हारी। लेकिन अगर जो भक्त जो बनाता है, क्यों, ठाकुर को भोग लगेगा, भगवान की सेवा में लगेगा, बस हो गया कल्याण। एक व्यक्ति साधारण व्यक्ति घर में झाड़ू लगाता है, बल घर के मालिक पर, मैं मालिक ना, घर मैंने बनाया मालिक। लेकिन एक भक्त भी झाड़ू लगाता है, बोले कहाँ लगाता है, बोले ये घर नहीं, ये ठाकुर का दरबार है, ठाकुर जी की मंदिर है। एक साधारण व्यक्ति बच्चे को थपथप लगा करके सुलाती है, लेकिन एक भक्त भी बच्चे को थपथप लगा कर सुलाती, बोले क्यों, ये बेटा बड़ा होगा तो भजन करेगा, ये कृष्ण का भजन है। जैसे देखो ये छोटी बच्ची खड़े हो जाए, तो खड़ी हो जाए, एक बार उधर घूम कर दिखा रहे, घूम जाओ उस तरफ, देखो ये छोटी बच्ची, देखो देखो इसकी गले में तुलसी कट्टी, देखो ये तिलक लगाई, देखो बैठी बैठ कर हरिनाम करती है, माला करती है। जिस घर में ऐसे बच्चे जन्म हो जाए ना, भगवान खुद कहते हैं उसको वंश में एक व्यक्ति भजन करे तो उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, ठाकुर खुद कहते हैं। घर में अगर एक बच्चा अगर प्रभु की भजन में लग जाए, लेकिन इसलिए माँ सुमित्रा कहती हैं, हैं, कहते पुत्रवती जुवती जगस्वी रघुपति भक्ति जासूसुतो। ध्यान देकर सुनो माताएं, जिस समय राम, अच्छा इतना इतनी सी बात यहाँ से लेकर जाओ, जब सीताराम वनवास जा रहे थे, इतने में सुमित्रा आती है, आ करके हम लक्ष्मण माँ सुमित्रा को पास में आता है, बोले माँ मेरे को आदेश दे, भाभी भैया जंगल में जा रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए जाओ। ये सुमित्रा खुद कहती है, बोले बेटा तेरे जैसे बेटे को जन्म दे करके अपना जीवन को मैं धन्य मानती हूँ, उसी माँ को बच्चा जन्म देना सार्थकता है। बोले रघुपति भक्ति जासूसुतो होई,
अगर बेटा उसको राम की भक्त अगर बना तो उसी माँ को जन्म देना साथ। दूसरी वाणी में कहती है, अगर तुमने बच्चों को प्रभु की भजन में नहीं लगा पाई, वो कहती है माँ को बांझ रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? ये सुमित्रा कहती माँ बांझ रहे, तुम्हारी बच्चे जन्म देने का कोई जरूरत नहीं। क्यों जन्म दोगे बच्चे को? इतने कष्ट करोगे, इतने लालन पालन करोगे, अगर बच्चा शराब पिए, गंदे काम करे, फिर उसकी कर्म के लिए तो नर्क जा, फिर नर्क भोग कर। इसलिए बच्चा अगर सत्कर्म करेगा तो उसका फल भी क्या भगवान का धाम मिलेगा, अगर गलत रास्ता पर जाएगा तो उसको पाप भी पिता माता को ही लेना पड़ेगा और कोई नहीं लेगा। इसलिए कहते हैं तभी बच्चे को जन्म दे अगर प्रभु की भजन में लगा पाओगे। इसलिए भागवत कहता है अवैष्णव सत पुत्रा जननी सुकरी समा, सुअर जैसे बच्चे जन्म दिया तुमने कैसे जन्म दे दिया, क्योंकि कोई बच्चा तुम्हारी भजन ही नहीं किया। आप बताओ गांधारी के कितने बच्चे थे, बोलो कितने बच्चे थे गांधारी के, बोलो जोर से, 100 थे ना, एक भी कृष्ण भक्त बना। लेकिन कुंती के कितने बच्चे थे? 5। भागवत में इनके नाम लिखा हुआ, इनके नाम आया भागवत में, पांडवों का कथा ही। इसलिए भैया बच्चे चभी जन्म दो जब भजन कराओगे। हाँ देखो प्रश्न है, भजन कब करेंगे? खुद करोगे तभी तो भजन करेगा। अभी जो लड़की खड़ी हुई थी वो माला क्यों कर रही है? उसको पीछे उसकी माँ बैठी है, हैं उसको पीछे वो माँ बैठी है, हरि नाम कर रही है, भजन करती है। माँ भजन करती है तभी बच्चे भजन करती है। पहला गुरु तो पिता माता है ना, संस्कार तो पहले पिता माता से ही पड़ेगा ना। अगर पिता माता खुद भजन नहीं करते बच्चों को भजन करेगा कहाँ, कर नहीं सकता है। अगर चाहते हो तुम्हारे बच्चे भजन करे, पहले खुद हरिनाम करो, गले में कंठी पहनो, तिलक लगाओ, तभी तुम्हारे बच्चे भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए भगवान ने अपना माँ को बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई। बोले माँ अगर किसी निची कुल में जन्म क्यों नहीं होगा, है बोले अहोबत सपोच अत गरियान, वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो? अगर भगवान के नाम को लेता है क्या समझो माँ, ये पूर्व जन्म में चार ही काम करके आया है। कितना काम करके आया? चार। जोर से बोला चार। क्या काम करके आया? आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा। ये ठाकुर जी कह रहे हैं बोले माँ पूर्व जन्म में पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ कर चुका है, पूर्व जन्म में उसने पृथ्वी में जितने सारे यज्ञ कर चुका है, पूर्व जन्म में जितने तपस्या कर चुका है, पूर्व जन्म में जितने दान उसने कर चुका है, तभी इसी जीवन में उसकी जिह्वा के अग्र में, पूरा जिह्वा नहीं, तभी उसकी जिह्वा के अग्र में भगवान के नाम कर रहे हैं। बोले भगवान अर्जुन को भी कहते हैं बोले अर्जुन मेरे नाम को कौन कर सकता है? बोले जनय पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन वही व्यक्ति मेरे नाम को ले सकता है जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने भगवान की सेवा पूजा की है, तभी इसी जीवन में वही व्यक्ति हरि नाम कर सके, वही व्यक्ति ठाकुर का नाम लेगा। नहीं तो दिन भर इधर उधर की बात करेगा, बोले तो हरि नाम कर, बोले समय कहाँ है, हमारे पास में समय कहाँ भजन करने के लिए। इसलिए भगवान बड़ी अच्छी अच्छी बात बताए बता करके भगवान माँ को उपदेश दे करके भगवान कहाँ चले गए? भगवान चले गए कहाँ पर चले गए? गंगा सागर में। मकर संक्रांति आएगी ना, इसलिए साल में एक बार मकर संक्रांति में एक बार ठाकुर जी की, एक बार पानी अपने आप नीचे आ जाएगी, मंदिर अपने आप दर्शन होता है साल में, गंगा सागर में एक बार दर्शन देते हैं। गंगा सागर गए हो? कौन कौन गंगा सागर गए हैं? हाथ उठाओ 2-4। कौन जाना चाहते हैं गंगा सागर? हाथ उठाओ। तो कहते ना सारे तीर्थ बारंबार गंगा सागर। हाँ इसलिए अगर गंगा सागर जाना चाहते हो ना, देखो हरे कृष्णा, हाँ इधर हमारी कालिक दीदी पीछे बैठी हुई है, कालिक दीदी ये सबको ले जा रही है और सरिता दीदी भी ले जाती है। इसलिए कोई जाना चाहते हो हाँ, अगर उनको साथ में अगर ये करोगे, देखो हम नवद्वीप जाते हैं, जैसे होली होता है ना, होली में जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा होता है, वहां पर भी वही कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, वहां पर भी ये नवद्वीप धाम परिक्रमा होता है। ये नवद्वीप धाम नहीं, ये राधा रानी के हृदय से ये 9 द्वीप बना हुआ है।
किरणों दीप राधा जी की हृदय से प्रकट होता है। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती कि पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, अगर कोई व्यक्ति करोबार अगर तीर्थ कर ले उसमें जो पुण्य मिलेगी, एक बार श्री नवद्वीप धाम को परिक्रमा करेगा तो उससे करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी। नवद्वीप धाम परिक्रमा की बड़ी महत्व है, इसलिए अगर कोई जाना चाहे तो इन लोग से संबंध करना। अरे ये लोग पहले से टिकट बना देंगे, एक बार गंगा सागर भी दर्शन करे आओ और श्री नवद्वीप धाम भी दर्शन करके आओ। बोले श्री नवद्वीप धाम की, बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ एक भजन सुनो, बोली श्रीनारायण हरि लाल की जय, श्री राधे। सब ऋषिया से हो गई अपनी यारी, सब ऋषिया से हो गई मेरी यारी, हो गई अपनी से हो गई रसिया से।
जैसे पकोड़े बनाते हैं ना, ऐसे उनको एकदम खौलते हुए तेल में उसको छोड़ देते हैं। जब उन्हें नरक की वर्णना कर रहे थे, इसको सुन करके परीक्षित महाराज डर गए। बोले आप कृपा करके बताओ, ये पाप से मुक्ति मिलेगी कि नहीं? बोले मिलेगी। शास्त्र में ये भी बताया, अगर तुमसे ये पाप कर्म हो गया, तुमने ऐसे प्रायश्चित करो, ये प्रायश्चित करो कि फिर तुमको छोटे बड़े प्रायश्चित अगर करोगे तो तुम्हारी पाप से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन इसको सुन करके श्री परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं हुए। बोले क्यों? बोले जो प्रायश्चित है ना, कहते ये कुंजर शौचवत। कुंजर मतलब होता है हाथी। हाथी को आप तालाब में उतार करके बढ़िया से मल मल करके उसको स्नान कराओ। हाथी की एक स्वभाव है, वो पानी से उठ करके ना
फिर धूल को लेकर फर करके सारा शरीर में लगाएगा। मतलब क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे घी में चर्बी मिला देंगे, दाल में कंकड़ मिला देंगे, दिन भर पाप कर्म करके तो पैसा कमाएंगे, फिर क्या करेंगे दूसरे दिन जाकर कबूतर को कुछ दाना खिला देंगे और कुछ भिखारियों को कुछ भीख दे देंगे, बस बोले हमारा तो पुण्य हो गया। बोले भैया कीचड़ लगाते हैं क्यों, फिर उसको साफ क्यों करते हो, कीचड़ मत लगाओ ना, कीचड़ लगाने का कोई जरूरत नहीं, साफ करने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए बोले जो ये प्रायश्चित है, ये हाथी स्नान जैसे प्रायश्चित करते हैं, फिर दोबारा फिर वही पाप करना शुरू कर देते हैं। कहते ऐसे कौन सा उपाय है जो हृदय से पाप करने का जो वासना ही खत्म हो जाए, ऐसे कोई बात है? बोले हाँ। बोले बताओ वो क्या है? बोले केचित केवल या भक्त्या, ये बच्चों को बैठा दो, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अग्नौ धुन्नति कार्ष्णेना निहार इव भास्कर। बोले भगवान की जो भक्ति और ठाकुर जी का अगर कोई नाम जप करे ना, जैसे सूरज उदय होने पर सारे कोहरा जैसे दूर हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करते हैं, भगवान के नाम में इतने शक्ति है, तुम्हारे हृदय में जो पाप करने का जो वृत्ति है ना, वो भी खत्म हो जाती है। अगर कोई हरि का नाम कोई अगर ग्रहण करे, बताओ ये वाल्मीकि पहले दशरथनगर था, जब नारद जी से मिले उसको बोले बोलो राम, बोलो 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 बोलो, आप तो बड़े पुण्यात्मा हो इसलिए राम का नाम ले रहे हो, लेकिन उसका मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला है। बोले तुम मरा मरा तो कर सकते हो? बोला हाँ मरा मरा तो कर सकता हूँ, लेकिन उसने उल्टा नाम जप करते करते दशरथनगर वाल्मीकि बन गया। ऐसे ठाकुर जी के नाम में शक्ति है, क्योंकि जो ठाकुर का नाम लेते हैं ना, किसी तरह से भी प्रभु का नाम ले लो उसको उद्धार हो जाएगा। तब उन्होंने एक स्टोरी सुना है, ले कन्याकुब्ज देश में ये अजामली नाम का एक व्यक्ति था, ब्राह्मण घर में जन्म है, सदाचार संपन्न, पिता माता की सेवा करता था, बड़े ज्ञानी है, बड़े विज्ञानी है, बड़े सदाचार संपन्न, हर धर्म कर्म में उसका रुचि थी। लेकिन देखो ये असत संग के क्या प्रभाव है, एक दिन उसने जंगल में यज्ञ के लिए उन्होंने लकड़ी फूल फल लेने के लिए गए, हठात उन्होंने एक गलती चीज को देख लिया। क्या देखा? एक शूद्र और एक शूद्रानी शराब पी कर रखे और विवस्त्र होकर के दोनों विहार कर रहे थे। इतने में अजामिल तो उसको देखना शुरू कर दिया और देखते देखते उसका हृदय में जैसे फटो खींच गई। जब उसने घर में आया ना, देखो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, पत्नी घर में कम उम्र की, बड़ी सुंदर थी, लेकिन देखो ये असत वस्तु संग का कितने प्रभाव। देखो एक बार उसने गलती चीज को देखा तो उसका हृदय में फटो खींच गई और घर में आकर के अपना पत्नी को त्याग दिया और वो जो शूद्रानी वैश्या को साथ में रहने लग गया, अमेध्य कुमेध्य उसको हाथ में खाना शुरू कर दिया, उससे 10 बच्चे हुए, हिंदू तो था, उसने छोटा बेटा का नाम उसने नारायण नाम रख दिया। किसका नाम रख दिया? नारायण नाम रख दिया। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया गंदी चीज को मत देखा करो, ये जैसे मोबाइल है ना, सब चीज उसमें आती है, अच्छी चीज भी आती है गंदी चीज भी आती है। अजामली जैसे व्यक्ति, इतने जितेंद्रिय व्यक्ति, अगर गंदी चीज को देखकर इसका बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है, बताओ हम कौन सा खेती के मूल्य हो? इसको देख करके हम स्थिर रहेंगे? ये डाइवोर्स भाइवोर्स क्यों अभी दुनिया में हो रहा है? यही सब कारण है। इसलिए भैया गंदी चीज को देखा मत करो, बड़ा पाप लगता है गंदी चीज देखने का। हम जितेंद्रिय नहीं, जैसे देखेंगे मन पहले से सोचना शुरू कर देगा, मैंने सोचता फिर जाकर वो गंदा काम को करना शुरू कर देता, इसलिए गंदी चीज को नहीं देखनी चाहिए है। अभी उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया और छोटा बेटा का नाम नारायण रख लिया। अब देखना सबसे जो छोटा बेटा होता है ना, पिता माता का ज्यादा स्नेह उसको प्रति होता है। अभी बारंबार जैसे बच्चे को बुलाते, बोले बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ, बेटा बेटा नारायण तू मेरे गोद में आ जा, बेटा नारायण तू कहाँ हो नारायण, बस जैसे हम माला जप करते हैं ना, हरे कृष्णा एक बार हाथ उठा के बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे
बात बात में बेटे को बुलाता है। ऐसे करते करते हम जो कर्म करते हैं काय मान और वाक्य से, इसलिए मरते समय तीन जमदूत आए उसको लेने के लिए, अंतिम समय हो गया, उसको गले में काल भास को लगा करके जब खेच रहे थे, इतने में अपना बेटे को उसने दूर में खेलते हुए देखा, देख करके जोर से पुकारे, बेटा नारायण नारायण। ये चार अक्षर है, एक तरफ में तीन जमदूत आए, दूसरे तरफ में चार विष्णुदूत, दोनों में घमासान लड़ाई हुई, ये कहते हम ले जाएंगे, वो कहते हम ले जाएंगे। इतने में श्री विष्णुदूत कहते भैया तुम कौन हो? बोले हम धर्म राजा का दूत। बोले धर्म का नाम पर अधर्म कर रहे हो? बोले अधर्म क्या है आपको पता नहीं? ये व्यक्ति ने क्या गलत कर्म किया है? ब्राह्मण घर में जन्म होकर के ब्राह्मणी को छोड़ा, वेश्या को साथ में रहा, अमेध्य कुमेध्य खाया, और उसने अमेध्य कुमेध्य खाया, सारे पाप कर्म जिंदगी में की, सीधा नरक जाएगा। बोले भैया पुण्य भी तो किया। बोले पुण्य क्या किया? बोले अंतिम समय पर ठाकुर का नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप करो कर्म करो और मुंह में अंतिम समय में राम बोल दो, हो गया। देखो भगवान के नाम में कितने महिमा। बोले मूर्खो हो तुम्हें क्या ठाकुर के नाम की महिमा तुम्हें क्या पता है? उदाहरण दिया है जैसे का भूस का ढेर हो, नहीं तो रोई का ढेर हो, उसमें आग की एक चिनकर लग जाए ना, जला कर उसको राख बना देता है, लेकिन भगवान के नाम क्या उससे कम है? कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके, इसने जब बेटा का नाम, देखो ध्यान देकर सुनो, कुछ लेकर के जाओ नहीं, कथा सुने पलू झाड़ मत जाया करो, कुछ शिक्षा लेकर के जाओ। ये विष्णुदूत कहते हैं बोले जब उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया था उसी समय में ही उसका सारे पाप खत्म हो गया था। फिर बारंबार जो नारायण नारायण बोला इससे साधन हो गया, मतलब जैसे माला जप करते हैं, लेकिन अंतिम समय में जो उसने नारायण का नाम लिया है ये ठाकुर का विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले जनामा जनामा मोनी जत न कराई, जनम जनम मोनी जत न कराई, जनम जनम मोनी जत न कराई, जनम जनम मोनी जत न कराई। गोस्वामी बहुत अच्छी बात बताई, इसको अच्छे तरह से सुनना। इसका दो अर्थ है, कोई कोई कहते हैं ना अरे अभी से भजन करने का क्या जरूरत है, जब बूढ़े हो जाएंगे एक दो माला सटका लेंगे, हाँ अभी तो राम राम कृष्ण कृष्ण करने का क्या जरूरत है, कोई कोई कहते हैं ना। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को भी यही बात समझाते हैं, बोले देखो बच्चों भगवान की भक्ति 5 साल उम्र से करनी चाहिए। बच्चों ने कहा प्रहलाद 5 साल से क्यों करेंगे, जब बड़े होंगे करेंगे। देखो क्या कहते हैं प्रहलाद, बोले तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है? अगर बीच में राम नाम सत्य हो गया, अभी कोरोना दोबारा आ रहा है, अब बताओ कि कोरोना में कितने लोग गए, कहते कोरोना की 2 लहर तीसरी लहर आ रही है, इसलिए भैया जितना जल्दी बार भजन कर लो, है भजन कर लो, क्योंकि ये जीवन कोई नहीं हीरे ठाकुर दिए 84 लाख जन्मों के बाद में है। प्रहलाद कहते हैं जब उन्हें बोले बड़े होकर करेंगे, कोई गारंटी कार्ड तुम्हारे पास में है? जो श्वास हमने लिया है दूसरा श्वास भी ले पाएगी किसको, को पास में कोई गारंटी कार्ड? आप देखना बैठ बैठ के हार्ट अटैक हो गया, वहीं पर खत्म, वहीं पर खत्म हो जाते हैं। तब उन्होंने बोले नहीं तो दूसरे जीवन में करेंगे। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्म,
ये मानव शरीर भगवान बारंबार नहीं देते हैं, कहते लाख 84 भ्रम के ये नरुतर नहीं, 84 लाख जन्म के बाद में ये जीवन मिला है, ठाकुर जी बारंबार ये जीवन को नहीं देते। इसलिए क्या करो बच्चों, भगवान की भक्ति 5 साल उम्र से करो। कितने साल उम्र से? 5 साल उम्र से। बोले क्यों? तब उन्हें 2-4 उदाहरण दिया, अब भी समझो। जैसे यहाँ पर देखना कुंभार लोग मिट्टी में घड़ा बनाते, देखे हो कौन कौन कर देखा यहाँ पर, देखे हो, देखना कि मिट्टी जब कच्चा है ना, वो जैसे चाहते में घड़ा वैसे बन जाती है, लेकिन उसको भाटी में डाल कर देते हैं लाल बनता है, वो जब लाल बन जाती है फिर उससे कोई पात्र बनेगा? आप बताओ, जब उसको जला करके लाल बन जाते फिर उसको बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन वो मिट्टी जब कच्चा मिट्टी हो ना, वो जैसे चाहते मिट्टी को वैसे बना देते हैं। कहते भगवान की जो भजन है ना, बचपन में जैसे आदत डालोगे भजन वैसे होगा। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे कोरे कागज है उसको ऊपर में देखना जो कुछ लिखोगे देखना वो स्पष्ट दिखेगा, लेकिन एक बार लिखने के बाद उसको ऊपर दो बार लिखने के लिए जाओ दोनों ही खत्म हो जाएगी। जैसे छोटा पौधा है एक जगह से उखाड़ करके दूसरे जगह में लगाओ देखना जम जाएगी, लेकिन जो पेड़ जो बड़ा हो जाता है उसको उखाड़ करके दूसरे जगह पर लगाओ लगेगा फिर? वो लगेगी नहीं। जैसे फूल जब खिला हुआ रहता है, जब ये फूल खिला हुआ है तब तो भगवान के चरण में चढ़ता है ना, जब ये फूल मुरझा जाए फिर ठाकुर के चरण में चढ़ता है क्या? नहीं चढ़ती है, हैं? जो बांस, गांव का नाम ही बांस है, इसलिए बांस जब कच्चा हो ना वो जिधर टेढ़ा करना वो टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन बांस जब पक जाती है वो टेढ़ा होगा, वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। इसलिए प्रहलाद कहते बच्चों, जैसे यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए इनको कोई चीज याद करने के लिए बताओ झटापट याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो बड़े बूढ़े बैठे हैं उनको बोलो कोई चीज को रट करके बोलो याद होगा? 1000 बार 1,00,000 बार भी रट दो याद नहीं होगी। मेरे को कुछ कुछ माताएं गोपाल मंत्र लिए हैं, बड़े बूढ़े हो गए, मैं पूछता हूँ क्या गोपाल मंत्र लिया? 1 साल हो गया याद हुई, बोले बाबा याद नहीं होता। एक छोटी सी लाइन कहते हमारी याद नहीं होता। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते बच्चों भगवान की भक्ति 5 साल उम्र से करनी चाहिए। ध्रुव जी 5 साल से किए, प्रहलाद भी 5 साल से किए, मीरा भी 5 साल से की, हनुमान तो बचपन से किए हैं, तुलसीदास जवानी से किए हैं, बुढ़ापे में कोई भजन नहीं किया। देखो आप लोग देख लो ये चीज को, जैसे आपको बोले भैया 10 मिनट बैठ करके भगवान याद करो, कितना 10 मिनट बैठ करके, आप देखना 10 मिनट में भी हमारी मन 1 मिनट भी भजन में मन नहीं लगेगा। 10 मिनट का खुद बैठ कर देख लो, 10 मिनट में 1 मिनट नहीं लगेगी। आंख बंद करते ही रील में पहले जो भरा है ना कचड़े वही निकलेगा, क्योंकि रील में कचड़ा ही जिंदगी भर भरे हो, प्रभु का भजन भी किया है तो याद क्या गया। इसलिए प्रहलाद कहते भैया बचपन से भजन करो। देखो इसमें जो प्यार है, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जब ये मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं अंत राम कही, तभी अंतिम समय में राम का नाम निकलेगा। और राम कही आवतन है, अगर अंतिम समय में प्रभु का नाम निकल गया बस बड़ा पार है, बड़ा पार है। देखो एक समय हमारे जो बड़े गुरु जी ना, इनको साथ में एक बार मैं हॉस्पिटल गया था, एक माता जी अंतिम सज्जा में लेटी हुई, मरने का समय आ गया, लेकिन दया रे भैया रे ये बच्चों को ये दे देना, बहू को देख लेना, बेटी को हर साल में कुछ कुछ देते रहना। बच्चों ने कहा माता जी कोई चिंता मत करो, हम सारी चीज को देख लेंगे, तुम कोई चिंता मत कर दो, राम राम कृष्ण कृष्ण तो बोल। लेकिन उसने बोले मेरे इतना मैं नहीं बोल सकता हूँ। क्या नहीं बोल सकता हूँ? कितना शब्द? इतना मैं बोल नहीं सकता हूँ, 10 शब्द 10 अक्षर बोल दिए, लेकिन दो राम का नाम नहीं निकला। लेकिन उसका जो पोता है ना बड़ा चालाक था, बोले दादी तू क्या नहीं बोल सकती हो, दादी तू क्या नहीं बोल सकते हो, बोले जो बुलवाना चाहते ना वही नहीं बोल सकते। राम के नाम की बोल नहीं करके सारा दिन बम 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 होते ना, कुछ माताएं जो बैठ करके सारा दुनिया की बात करेंगी लेकिन प्रभु का भजन नहीं करेंगे, प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए देखो बचपन से आदर डालो भजन करने की, बचपन से भगवान भक्ति के आदर डालो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अंतर राम कही,
उन्होंने बोले अंतिम समय में राम का, उन्होंने बेटा का नाम किसका नाम लिया, बोले नारायण का नाम लिया है। ठाकुर का नाम अंतिम समय में लेने का बड़ा पुण्य है। साधारण भाग्य के मुंह से ठाकुर के नाम नहीं निकलती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। इसलिए विष्णु दूतों ने जब दूतों को वहां से भगा दिए, बोले देखो भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है। बोले सांकेत्यम परिहास्यम बा स्तोभम हेलनम बा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। बोले भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे, पहला नंबर है सांकेत्यम। अगर किसी बेटा का नाम नारायण रख लिया, कृष्ण गोविंद रख लिया, अगर बारंबार बेटे को बुलाते हो, बस ठाकुर का नाम ही हो गया घर का कल्याण, बेटा का कल्याण, जिस घर में ठाकुर का नाम गुंजे उसका भी कल्याण, सबका कल्याण है। इसलिए पहले पहले देखना सब लोग का नाम, देखो पूछो सब पुराने माताओं को, पुराने भाइयों का नाम पूछो ना, सब राम का नाम पर, कृष्ण का नाम पर, सबका नाम है। लेकिन अभी ये पाश्चात्य शिक्षा आकर के ना, अभी छोटे छोटे बच्चों का नाम पूछो, टुल्लो बुल्लो टिंकी फिंकी है, पता नहीं क्या कहां से नाम ले आए, जिसका कोई मतलब नहीं। इसलिए क्या करना, ध्यान देकर सुना, सारे बच्चों का नाम ठाकुर के ऊपर नाम रखा, क्या नाम रखाओगे, उल्टा पुल्टा नाम मत रखा करना, कम से कम तुम्हारी जीवा से तो प्रभु का नाम निकलेगा, घर का कल्याण, उसका कल्याण, सबका कल्याण है। अब अगर किसी बच्चों का नाम अगर इधर उधर रख लिया ना, मेरे पास में ले आना, मैं सब बच्चों का नाम ठाकुर का नाम पर धरा दूंगा, ठीक है, लेकर आओगे, लेकर आएगा सबके सब मेरे पास में लेके आना, सबको मैं ठाकुर का नाम पर धरा दूंगा, कम से कम मुंह से ठाकुर के नाम निकले। इसलिए कहते सांकेत्यम पारिहास्यम, पारिहास्यम मतलब होता है अगर तुमने हंसी दिलकी करते हुए अगर ठाकुर का नाम, अरे राम राम करने से क्या होता है, कृष्ण कृष्ण करने से क्या होता है, बस कल्याण हो जाएगा। इसलिए एक समय जब महाप्रभु भक्ति प्रचार की ना, सारा दुनिया हरि नाम लिया, लेकिन एक मुसलमान था, वो काजी था, वो नाम नहीं ले रहा था। एक दिन महाप्रभु का भक्त पहुंचे, घर बोले ए काजी तेरा, महाप्रभु आकर के सारा दुनिया को प्रेम दिया, लेकिन तू एक व्यक्ति ठाकुर का नाम ले, निकल गया बाहर। और उनको सुनकर बाहर निकल, बोले कृष्ण बोल, क्या बोल, क्या बोल, लेकिन इतने में बोल दिया, मैं कृष्ण कल बोलूंगा, मैं कल कृष्ण बोलूंगा। बोले कृष्ण तू बोल दिया, तेरा बेड़ा पार हो गया, कल्याण तुम्हारी हो गया है। इसलिए सबके सब भगवान की नाम पर, इसलिए जितना यहाँ पर मेरे भक्त लोग बैठे ना, तो माला लिए है, अगर जिसका ठाकुरों का नाम था मैं तो वही रख दिया, लेकिन अगर जिसका ठाकुर का नाम नहीं था ना, उसको मैंने ठाकुर की नाम पर उनका सबका नाम धरा दिया, सब ठाकुर का नाम पर मैंने धराया। देखो जो बच्ची खड़ी होकर हरि नाम कर रही थी, तुम्हारी नाम क्या है, जोर से बोलो, हाँ इसका नाम श्यामा प्रिया नाम रखा, श्यामा मतलब राधा रानी, प्रिया मतलब राधा रानी जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, बस श्याम प्रिया मतलब कृष्ण जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसे सारे बच्चों का सबका नाम मैंने ऐसे धरा दिया, ठीक है, सबके सब मेरे पास में ना, सब ठाकुर का नाम दे दूंगा, उसी नाम से पुकारो और कम से कम कल्याण हो। हाँ इतने में जमदूत जा करके ना सारे अस्त्र शस्त्र को उन्होंने जब महाराज के चरण में फेंक दिया, बोले आज से आपके नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्यों, क्या हो गया, बोले एक बहुत बड़ा पापी था जिसका नाम था जामिन, अब उसको लेने के लिए गए तो पता नहीं चार हाथों वाले कहां से आ गए और उनको डंडा मार मार कर भगा दिया वहां से। बोले वो व्यक्ति मरते समय कुछ बोला था, बोले हाँ उसने किया, एक बार नारायण नाम लिया था, क्या लिया था, नारायण नाम लिया था। बोले अरे मेरे प्रभु का नाम लिया, बोले आपका भी कोई प्रभु, हम तो सोच रहे थे जगत का हर्ता करता विधाता आप ही हो। बोले मूर्खों तुमको क्या पता, हमारे प्रभु तो नारायण है, मैं तो ये जगत में जो जीव कर्म करता है ये कर्म का फल मैं देता हूँ, शंकर ब्रह्मा जी का भी मालिक भगवान श्री नारायण है। बोले श्री भगवान नारायण की। बोले देखो बच्चों, जो भगवान की भक्ति करते हैं ना उनको मेरे पास में मत लाना। तब श्री जमदूत कहते हैं हमें कुछ लक्षण बता दो, कौन भजन करता कौन नहीं करता कम से कम पता तो चले। तो उन्होंने एक चार्ट बना दिया, आप लोग भी सुन लो अच्छे तरह से, किसको किसको लाना और किसको किसको नहीं लाना,
ये जम स्वयं ये चार्ट बना करके जमदूतों को दे रहे हैं। आप भी सुन लो ध्यान दे करके, किसको किसको लाना और किसको नहीं लाना है। सरकार दी इनको ना, जो बच्चे बामन है उसको और ये दो पति पत्नी है इनको अच्छे तरह सजा दो बढ़िया से। ब्लसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ ध्यान से सुन लो, इधर ध्यान से सुना लो, ये जय महाराज ने चार्ट बनाया है, श्लोक है। बोले जिहार न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति जत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति जत सीर एकदापि तान अनर्थम असत अकृत विष्णु कृत्या। का देखो बोले जिहा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसको ठाकुर ने जिहा तो दिया है लेकिन ये जिहा में जो ठाकुर का नाम को नहीं लेते हैं। बोले चेतश्च न स्मरति जत चरणारविंद, इन्हीं हृदय में जो भगवान के चरण को स्मरण नहीं करते हैं। बोले कृष्णाय नो नमति जत सिर कदापि, जो ठाकुर जी के चरण में अपना सर को नहीं झुकाया। मेरे तरफ में देखो, उधर क्या देख रहे हो सो माता है, इधर देखो मेरे तरफ में। इसलिए कृष्णाय अतान आनय धम, बोले उन उन अधम को पकड़ पकड़ करके मेरे पास ले आओ, हैं, जो भगवान के नाम नहीं किया, हृदय में ठाकुर का स्मरण नहीं किया, सर को ठाकुर को चरण में नहीं झुकाया। और क्या है बोले वैष्णव कृत्वा, जो वैष्णव मंत्र में जो दीक्षा ग्रहण नहीं की है उनको लेकर के आप कहते, जो वैष्णव मंत्र में दीक्षा लेते हैं उनके शरीर में तीन लक्षण दिखाई पड़ता है। कितना लक्षण दिखाई पड़ता है, जोर से बोलो। देखो सुन लो ध्यान दे करके, उदाहरण दिया, एक स्त्री सधवा विधवा हमें कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है? जो सधवा है आप लोग सिंदूर लगाई, मांग भरे, नाक में बेसर पहने हो, चूड़िया पहने हो, हैं, मंगल सूत्र धारण करते हैं, इसको देखने से पता चलता है ये सधवा है। और विधवा का लक्षण अलग है। कहते उसी तरह जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं उनकी शरीर में भी तीन लक्षण है। बोले तीन लक्षण क्या है, बोले ललाटे तिलकम, कहते जरूर उनकी ललाट में ये तिलक जरूर धारण करते हैं। हैं, जो तिलक है ना ये गोपियों का चरण धूल, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये द्वारका से आता है। देखो इधर ये ब्रह्मा, ये बीच में विष्णु और महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। देखो ये जो दो है, ए बच्ची बैठ, ए बच्ची बैठ जा, बैठ बैठो मत, इसलिए ये जो दो है लाइन है, कहती है ठाकुर का ये दो चरण है। अब उसका नीचे का भाग देखो, मेरे तरफ पे देखो सब, इसका नीचे का भाग देखो, जैसे ठाकुर के चरण में तुलसी दल देते हैं ना, इसका नीचे का भाग देखो, जैसे ठाकुर के चरण में हमने तुलसी दल दिया है, हैं? इसलिए ये तिलक कोई साधारण चीज नहीं है। कहते उर्ध्व पंड्रम, कहते उसको उर्ध्व पंड्र कहते जो भगवान तक ले जाते हैं, इसलिए तिलक जरूर लगानी चाहिए। ये जगत का पति के लिए तो हमने मांग भर दिए, मंगल सूत्र पहने, लेकिन जो हमारी असली पति है, जन्म जन्मांतर का जो पति है, उन लोगों के लिए, उनके लिए हमने क्या धारण करके रखे, बताओ क्या धारण, तुम्हारे शरीर में क्या चिन्ह है? एक उदाहरण दिया, जैसे पति तुम्हारी जिंदा, कोई कोई कहते ना अरे इतने बड़े टीका लगाने का क्या जरूरत है, कोई कोई कहते ना इतने बड़े टीका लगाने का क्या जरूरत है, हैं? कहते ऊपर थोड़ी दिखाने का, अंदर में रखो ना, ऊपर तुम दिखा दो टीका, गले में कंठी, देखो एक समझो ध्यान देकर सुनो, जैसे तुम्हारी पति जिंदा है, अभी पिता पति तो जिंदा, अगर कोई स्त्री सारे नाम को मिटा दे, सिंदूर को मिटा दे, मंगल सूत्र सारे खोल दे, विधवा के रूप धारण करते हुए अगर पत्नी पति को सामने गया, आप बताओ तुम्हारी पति तुम्हें स्वीकार करेगा कि नहीं, बोलो स्वीकार करेगा कि नहीं? बोले मैं जिंदा रहता रहा तो मेरे को मार डाल लियो। जब तुमको साधारण पति तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, वो जो पति का पति जो परम पति भगवान है, ये भागवत कहता है, अगर कोई बगैर टीका के गले में कंठी के अगर कोई ठाकुर को सामने चले जाए ना, ठाकुर तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। बोले तेरे से क्या मतलब, मेरे से क्या, तुम्हारे अंदर में चिन्ह है तो मेरे को भजन कर दो, क्या चिन्ह तुम्हारे अंदर में, मेरे से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम्हें निकल जाओ यहाँ से, भगवान भी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं तो देखो भगवान हनुमान जी की दुख इतना टीका क्यों लगा, गणेश जी को देखो
इंद्र चंद्र कोई भी देवता को, यहाँ तक भी आप बाकी बिहारी को देखो, राम को देखो, नारायण को देखो, भगवान कितने बड़े तिलक है। ठाकुर जी स्वयं ठाकुर जी तिलक धारण करते हैं। हमारी बात छोड़ दो, हम तो हिंदू है, देखना जैसे अच्छे कोई काम के लिए जाते हैं ना, तिलक लगा कर भेजते हैं, तिलक विजय का लक्षण है, जा तुम्हारी काम बन जाए, है ना। घर में ब्राह्मण पूजा कराने आता है, देखना जब तक तुम्हारी टीका नहीं लगाएगा ना, पूजा ही नहीं करेगा, क्योंकि तिलक के बगैर पूजा भी निष्फल है, वो पूजा करने का कोई फल नहीं मिलेगा, इसलिए तिलक की बड़ी महत्व है। इसलिए क्या लगाओ, तिलक लगाओ, ठीक है। जैसे देखो छोटी बच्ची तिलक लगाए, देखो वो तिलक लगाए, हमारे कुछ यहाँ भक्त लोग बैठे हुए हैं, सुंदर सुंदर तिलक लगाए, तिलक लगाया मतलब कृष्ण तुम्हें स्वीकार कर लिया है, तुम्हें क्या स्वीकार ठाकुर जी करते हैं। और दूसरी चीज, गले में तुलसी की कंठी जरूर धारण करनी चाहिए। ये जो तुलसी है, हम तो हिंदू है, देखना नारायण को साथ में तुलसी की शादी होती है, देखे कि नहीं, क्योंकि जो तुलसी लक्ष्मी है, ये तुलसी लक्ष्मी, अगर गले में तुम्हारी तुलसी कंठी मतलब है माँ लक्ष्मी के निवास तुम्हारे गले में। भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए, अपने आप को कहाँ रख कर गए, तुलसी में। हम कहते ना वृंदावन चलो बांके बिहारी, मतलब क्या, वृंदा तुलसी बन, जहाँ तुलसी का बन वही ठाकुर जी, इसलिए तुलसी वृक्षा वही ठाकुर का बांके बिहारी का निवास। इसलिए जिसकी गले में तुलसी कंठी है ना, समझो लक्ष्मी नारायण उसकी गले में आ गया। ठाकुर को भोग लगाते होंगे, देखना कितना छापान भोग छत्री से व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक ना ही मानी। ठाकुर को जो कुछ दे दो, अगर उसमें तुलसी पता नहीं दोगे ना, ठाकुर जिसको स्वीकार नहीं करते हैं, कहते उसी तरह ये शरीर में जब तक हम तुलसी कंठी धारण नहीं करते हैं, हम ठाकुर को सेवा नहीं कर सकते। जैसे जिनके घर में ये गोपाल जी है, अगर तुम्हारी गले में तुलसी कंठी नहीं ना, ठाकुर तुम्हारी शरीर का सेवा ग्रहण नहीं कर रहे, नहीं ग्रहण कर रहे, क्योंकि जो शरीर टाटी पेशाब खून पी का ये थली है, ये थली से ठाकुर का सेवा नहीं हो सकता है। लेकिन जब कंठी धारण करते ये शरीर ठाकुर जी की समर्पित तो हो जाता है, इसलिए गले में जरूर तुलसी कंठी धारण करो। पुराण में बताया जो व्यक्ति गले में तुलसी कंठी धारण करते है, स्नान करने पर पूरा पानी सारे शरीर में जाएगा, पृथ्वी का सारे तीर्थ में नहाना हो जाएगा, और बड़ी बड़ी बीमारी भी अपने आप खत्म हो जाती है गले में जो तुलसी कंठी धारण करते हैं। इसलिए जब महाराज एक अच्छे उदाहरण दिया है, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं, जोर से बोलो, एक पालतू और एक फालतू है। पालतू कुत्ता जो होते थे ना, गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते है, और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। अगर हमारी गले में तुलसी कंठी हो तो हम ठाकुर को पालते, किसके पालतू है, बांके बिहारी की पालतू। अगर गले में कंठी नहीं तो फिर हम कौन है, बोलो जोर से और जोर से, हम तो पालतू बनेंगे ना, फालतू बनेंगे, पालतू बनेंगे, ठीक है ना। गले में कंठी धारण करो, जिसकी गले में तुलसी कंठी, जम कभी जमकर नहीं जाओगे। देखो पुराण की छोटे कहानी सुनो, ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय कोई एक मुसलमान जा रहा था, अच्छे तरह सुनो ये कहानी को, याद कर दूसरों को सुनाना, ये पुराण की कथा है। बोले एक समय कोई एक मुसलमान जा रहा था, उसने हठात देखा रास्ता में बड़े भयंकर तीन जमदूत खड़े हुए, उनको देख करके मुसलमान वहां भागना शुरू कर दिया। वो तीन जमदूत बोले भैया भागने का जरूरत है, तू अपना रास्ता में चले जा। बोले तुम लोग कौन हो, बोले हम जमदूत है। बोले यहाँ पर क्यों आए हो, बोले मरने से पहले हमें सब पता चल जाता है। बोले क्या कोई यहाँ मरने वाले, बोले हाँ, थोड़ी देर बाद में एक किसान ये बैल का गाड़ी पर आएगा, आने पर यही आने पर जो बैल ने गले में जो रस्सी होगा उसको तोड़ करके यहाँ से भागेगा। जब वो किसान पकड़ने जाएगा वो बड़े गुस्से में रहेगा, मारेगा उसको पेट में, मारने पर पेट फाड़ देगा, वो यही पर मरेगा हम लेने के लिए आए। अभी वो मुसलमान वहां खड़े हो गया देखने के लिए, देखा सचमुच से किसान आ रहा है, और वहीं पर आते ही बैल ने रस्सी को तोड़ करके भागा। जब वो किसान पकड़ने के लिए गया, बड़े गुस्से में था, और उसको पेट में मारा तो उसको पेट को फाड़ दिया और वहीं पर फेंक दिया। लेकिन जब फेंक दिया ना, वहां पर एक तुलसी की पौधा थी, अंतिम समय में उसका शरीर तुलसी पौधा में जाकर गिरी, और तुलसी में लक्ष्मी और नारायण का निवास है।
जब गिरी हठात तो वैकुंठ से तार चार एक विमान रथ और चार विष्णु दूत वहां पर प्रकट हो गए और जमदूत देख करके भागे वहां से प्राण को लेकर के। वो व्यक्ति सीधा रथ में बैठा और वैकुंठ चला गया। थोड़ी देर बाद में जमदूत मुसलमान ने पूछा, आप लोगों ने तो जो बोल रहे थे सही, लेकिन जो अंतिम दृश्य बड़ा चमत्कार क्या था, ये क्या हो गया? बोले जब उसको मार कर गिराया वो तुलसी वृक्ष में गिरा है, ये तुलसी में साक्षात नारायण और लक्ष्मी के निवास है, इसलिए हमारी मैं गांव का के बच्चा तुम्हारी जैसे हमारे देश में जो कोई शरीर छोड़ता है ना उसका शरीर को पास में सर को ऊपर में तुलसी वृक्ष रख लेते हैं और अंतिम समय में गंगा पानी और तुलसी पत्ता उसको मुंह में देते हैं। क्यों? ये तुलसी स्पर्श होने पर फिर नर्क नहीं होता इसको। उसने बोला अंतिम समय में शरीर गिरा तो उसको मुक्ति मिल गई, इसलिए हम वहां से भाग गए थे। वो जो मुसलमान था ना बोले इतने महिमा तुलसी वृक्ष की, उसने आकर के सूखे तुलसी को काट काट कर माला बनाया और गले में तुलसी कंठी पहना मुसलमान। हिंदू लोगों ने बोले भैया तुलसी कंठी तो हिंदू पहनते, तो मुसलमान क्यों पहनते हो? उन्हें सारी घटना सुनाई, मैंने अपना आंखों से मैंने ये चीज को देखा है, ये तुलसी वृक्ष में कितने महिमा। ये जब स्वयं कह रही अगर गले में तुम्हारी तुलसी कंठी है ना कभी जबपुर नहीं जाओगे, सीधा ठाकुर को पास में जाओगे। क्यों? जब महाराज जब देखेंगे गले में कंठी है तुमको प्रणाम करेंगे, भैया ये फालतू नहीं, ये कौन है? बांके बिहार की ये फालतू। लेकिन एक नियम है, अपने आप नहीं पहननी चाहिए, किसी संतों को हाथ लेनी चाहिए और उसी के लिए गंदी चीज छोड़नी चाहिए और प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा। इसको पहनने के लिए प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा, मांस मछली तो छोड़ना पड़ेगा, शराब तो छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक प्याज भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो प्याज को छोड़ करके ठाकुर को भोग लगा कर खाओ, क्योंकि प्याज लहसुन के बगैर भोग लगाओगे तो ठाकुर जी की कृपा भी होगी। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हरि बोल। हाँ देखो, अभी आज भगवान दो दो भगवान आज अवतीर्ण होने वाले हैं। कहते एक श्री वामन भगवान आएंगे, उसको बाद में श्री कृष्ण कहने आएंगे। सीमा दीदी, सीमा दीदी आई है, तुम कुछ बोलोगी आज कथा? आजा जल्दी आजा, फिर माइक तुमको थोड़ी सुननी, जल्दी जल्दी आजा। देखो तुम्हारे बीच में एक गुजरी है, ये गड़ी में रहती है, वहां से निकाल दो। एक गुजरी है, ये भी गुजरी है, ये भी भगवान की जो भक्ति है ना ये बहुत प्रचार करती है, है? ये जा जा करके भगवान की कथा सुना करके बहुत सारे भक्तों को मैंने तो देखो वहां से क्या निकल गया। ए तार को थोड़ा उधर कर, ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो राधिकाय, नमो राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के नाम में मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव श्री श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापन करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव भक्ति वेदांत पूज्यपाठ श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्यलीला परमिष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी जी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु, गुरु शब्द मेरे जीवन में बहुत ही अहम और बहुत ही मेरे जीवन में बहुत ही मैंने मतलब इतना गुरु को इतना ज्यादा अपने जीवन में देखा परखा और उनसे हरि नाम दीक्षा ली, वो मैंने किस तरह से ली मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जब मैं भक्ति में आई तो मैं बीमार रहती थी, बस सर में दर्द रहता था और पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है और कैसे इसका इलाज होगा, ठीक भी होंगी या नहीं होंगी।
बस ये लगता था कि शायद जीवन खत्म ही हो जाए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर एक दिन गढ़ी में कुछ भक्त लोगों ने कथा का आयोजन किया, जैसे श्रीमद् भागवत कथा सरिता दीदी यहाँ पे करवा रही है, ऐसे ही हमारे गढ़ी में भी एक दिन कथा का आयोजन हुआ। तो मेरे देवर ने बताया, भाभी तुम बीमार रहती हो, जाओ जाके आप ही कलश उठाओ, भागवत होएगी यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं भी उठा लेती हूँ। तो मैंने कलश उठाया, मेरी सास बोली भाई तू तो बीमार है कैसे उठाएगी। मैंने कहा ना उठाऊंगी जरूर, लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर तेरी इच्छा है तो तू उठा ले। मैंने कहा ठीक है, मैंने कलश उठाया, गुरुदेव की कृपा से श्रीमद् भागवत सुनी, सुनते सुनते ही मेरे हृदय में हरि नाम लेने की इच्छा हुई और वो इच्छा पूर्ण भी हुई। जब गुरुदेव के श्री चरणों से मैंने सानिध्य प्राप्त किया और उनसे हरि नाम लिया। ऐसे सदगुरु मिलना बहुत कठिन है जैसे गुरु हमें मिले हैं। इनकी महिमा में क्या कहूं मैं, ना कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि कह ही नहीं सकती मैं कुछ भी, इतनी इनकी महिमा है। फिर उसके बाद हरिनाम लेके अपना हरिनाम शुरू कर दिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी श्री सदगुरु की गोविंद दियो बताए। हरिनाम हम सबको ही करना चाहिए। मैं तो आप सबसे भी विनती करूंगी कि सब हरिनाम लो, गुरुदेव से ये सुनहरा मौका बार बार हमें फिर नहीं मिलेगा। इसके लिए एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। एक गांव में एक बार बाढ़ आती है तो वहां पे जो वहां गांव के जो मुखिया थे वो सोचते हैं कि भाई क्या करूं, अब यहाँ तो खाने पीने का भी कुछ इंतजाम नहीं रह गया है। तो वो जाते हैं शहर में, शहर की तरफ निकल जाते हैं, देखते हैं कि गांव का पालन पोषण आगे कैसे करना है। तो वो जाते हैं, जाके वो एक जगह बहुत भीड़ खड़ी, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, भीड़ थी बहुत। तो उन्होंने कहा कि भाई ये भीड़ क्यों इकट्ठी हो रखी है इतनी। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे वो लोग टोपी उछालते थे और जो टोपी जिसके सिर पर पड़ जाती थी उसी का ही उस गांव को राजा बना देते थे, उस राज्य का। तो वो टोपी उस मुखिया के सिर पे पड़ गई और वो उसको वहां का राजा बना दिया। राजा बना दिया तो वो ले गए उसको राजमहल में, कहने लगे भैया ये तो बताओ यहाँ आप मुझे ऐसे कैसे राजा बना रहे। कह रहे कि अब आप 5 साल के लिए हमारे राजा हो यहाँ के। उसने कहा चलो ठीक है, गांव वासियों का भी हो गया हिसाब किताब, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो गई। तो वो चला जाता राजमहल में, लेकिन ये तो बताओ कि 5 साल के लिए जो मुझे राजा बनाया इसके बाद मैं जाऊंगा कहाँ, मुझे जाना कहाँ है इसके बाद। उन्होंने कहा बता देंगे ये तुम्हारा राजमहल है, अभी ये देखो यहाँ आराम करो, आराम से राजकोष है ये तुम्हारा, यहाँ जितना भी धन है सब तुम्हारा है, जो तुम चाहो जो कर सकते हो। उसने कहा ठीक है, लेकिन ये तो बताओ 5 साल के बाद मैं जाऊंगा कहा। बता देंगे ठीक है। वो चले जाते हैं उसको छोड़ के, लेकिन राजा को चैन कहाँ, उस मुखिया को। वो तो यही सोच रहा कि 5 साल के बाद मेरा क्या होगा, 5 साल के बाद मेरा क्या होगा। अब उसने फिर मंत्री से फिर याचना की कि मुझे बताओ कि 5 साल बाद मेरा क्या होगा। तो उसे छत पे ले जाते हैं, छत पे ले जाके कहते हैं कि जाओ देखो ये जो सामने दिख रहा है जंगल, इस जंगल में ले जाके हिंसक प्रभु बहुत पशु हैं, तुमको यहाँ पे छोड़ देंगे। वो उसको पता चलता है कि अच्छा मैं 5 साल बाद मरने वाला हूँ, उसको तो चिंता लग जाती है, रात दिन बस यही चिंता उसको खाई जा रही है कि भाई मैं तो 5 साल बाद यहाँ पे जाके मर जाऊंगा। अब वो सोचता है कि क्या करूं। वो सोच विचार के बहुत सोचता है, बहुत विचारता है, फिर वो थोड़े दिन बाद खुश रहने लगता है। अब मंत्री आता है, वो मंत्री से भी नहीं पूछता कि भाई क्या बात है, क्या मतलब है, कहाँ जाऊंगा या कैसे। मंत्री भी चलो ठीक है भाई, इसने समझ लिया कि अब तो ऐसे ही रहना है। फिर कुछ दिन बाद 2-3 साल ऐसे बीत गए, 4 साल बीत गए। जब 5वां साल आया तो जल्दी से फुदक के वो जब नदी पार करके जाना था, नाव में बैठ गया। नाव वो नाविक कहता है अरे अब से पहले जो जितने भी राजा गए यहाँ से तो रोते चिल्लाते जाते थे, ये तो हंसता कूदता अपने मजे से जा रहा है। तो वो कहता है कि तुम बड़े खुश हो, क्या बात है मरने के लिए।
क्योंकि मैंने आगे का अपना रास्ता साफ कर लिया है। तो उसने जो उसको धन और जो वहां वो मिला था पैसा जो भी राजकोष में मिला था उसको वो अच्छे काम में उसने ऐसे लगा दिया कि वो जो जंगल था उसको कटवा दिया, सारा कटवा के वहां पे अपने रहने का बढ़िया महल, जैसे ये महल था जहां रहना था ऐसे एक महल बनवा लिया खूब अच्छा, और अपने जितने भी उसके गांव वासी थे सबको वहीं बुला लिया, सब गांव वासी वहीं रहने आराम से, और वो जाके अपना उनके साथ अपना राज्य करने लग गया। तो इस कथा से हमें एक चीज मिलती है कि हम यहाँ तो सुखी रहेंगे ही रहेंगे हरि नाम लेने के बाद, आगे भी हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे उस राजा ने अपनी बुद्धि से सब कुछ अच्छा अपना सब कुछ रास्ता आगे सारा साफ कर लिया और राजमहल अपने लिए बनवा लिया, ऐसे ही अगर हम ठाकुर जी का भजन करते हैं तो हमें ठाकुर जी वहां पर भी हमें गोलोक वृंदावन में अच्छा राजमहल अच्छा घर अच्छा सब कुछ देंगे हमें। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हरि नाम सबको करना चाहिए, सभी माताएं हरि नाम ले गुरुदेव से, ऐसे गुरुदेव हमें आसानी से नहीं मिलेंगे। मैंने तो अपना बहुत परखा है जीवन में, तो यही कह के मैं अपने वाणी को बताऊंगी। राम चरण बचुदेव राम पावन वैष्णव नमो, कुछ गलती हो तो क्षमा करना। प्रभु वृंदावन बिहारी लाल की, प्रभु भगवान श्री रक्षा जी, प्रभु भगवान बामन देव की, अरे ठाकुर जी बामन आएंगे तो उसके बाद में कृष्ण भी आएंगे श्री कृष्ण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ माताएं तो धीरे धीरे बोल रहे हैं, कुछ तो पूरा घूंगी के घूंगे ही बैठी रही हैं। जोर से नहीं पुकारे तो भगवान आएंगे कैसे, पुकारने से तो आएंगे। बोलो जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण में साष्टांग नमन प्रणाम करता हूं, हेतु कृपा वंश करता हूं। तत्पश्चात परम गुरुदेव भर्ग रूपानुग गुरुपाद पद्म सोपान सदस्य परिकर गौर नित्यानंद प्रभु राधा गोविंद जी उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद भक्त वृंद माताएं समस्त चरण में प्रणाम स्वीकार हो। अभी अभी हम लोग कथा श्रवण करेंगे। ये भागवत जी के सप्तम स्कंद में कि सप्तम स्कंद के बाद उसमें क्या होता है ना, श्री बामन देव का चरित्र श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को विशेष रूप में वर्णन कर रहे हैं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से अमृत निकला, अब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत तो पिला दिया देवता को और असुरों को पिला दिया, जय सुरा मदिरा पिला दिया, और देवता अमृत पान करके अमर हो गए, और अमर होने के बाद असुरों के ऊपर पूरा देवासुर संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। अब इतने युद्ध में जैसे युद्ध होता है सारे देवता मारे गए और देवता गण सारे देवता को सारे देवता असुरों को मार दिया, सारे असुर मारे गए और असुर फिर वहां पे बता रहे हैं कि शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र के द्वारा सारे असुरों के ऊपर जैसे ही पानी छिड़का ऐसे ही सारे असुर पुनः जीवित हो गए। तो असुर के जो राजा थे बलि महाराज वो बोलते हैं कि गुरुदेव आपने तो मुझे क्या किया, आज प्राण दान दिया और हम पूरा असुर कुलों को आपने प्राण दान दिया है, इसलिए कृपा करो और आपकी कृपा से हम क्या हुआ हमारा जीवन पुनः हम जीवित हो गए, लेकिन गुरुदेव हम बदला लेंगे हम बदला लेंगे। तो गुरुदेव बोले देखो इस समय भगवान ने उनको अमृत पिला दिया इसलिए वो अमर हो चुके हैं देवता, देवता को तुम नहीं जीत सकते, इसलिए अगर तुम्हें बदला लेना है तो कुछ बड़ा और एक सिद्धि करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा, बोले ब्राह्मणाम संतुष्टे भव, तुम्हें काम करो ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। अब असुर क्या होता जानते हैं, ब्राह्मणों को कैसे सेवा किया जाता है, क्या नहीं क्या नहीं, क्या विधि है क्या निषेध है, असुर नहीं जानते। तो बता के शुक्राचार्य खुद बोलते हैं देखो ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा देर नहीं लगता, चकाचक रगड़ी माल को
और क्या, पराठे के ऊपर मक्खन डाल करके ब्राह्मण को भोजन दो और चकाचक छाछ पिलाओ, ब्राह्मण पूरा प्रसन्न हो जाएंगे। चकाचक उनको हाथ में वस्त्र आभूषण आदि दो और लिफाफा पकड़ाओ, देखो ब्राह्मण आसन व्यासन रासन फिर भाषण। ब्राह्मण तो बड़े प्रसन्न हो गए, सारे के सारे ब्राह्मण असुरों के ऊपर प्रसन्न हो गए, बड़े बड़े स्तुति वाचन करने लगे और स्तुति वाचन करते हुए असुरों के ऊपर पूरा सारे आशीर्वाद दे दिया। अब ब्राह्मण बड़े बड़े यज्ञ करने लगे और उसी हवन में से दिव्य अस्त्र शस्त्र और दिव्य उसमें रथ, दिव्य कुमंडल, दिव्य बड़े बड़े सुंदर सुंदर पुष्प आदि सब जितने भी युद्ध में आवश्यक होता है सब चीज निकला और सारे के सारे चीज बलि महाराज जी को दे दिया। अब बलि महाराज जी स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने के लिए चले। जैसे ही बलि महाराज जी स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने के लिए चले, ये देवता के गुरु कौन है? देव गुरु कौन है? ये बृहस्पति, ये बृहस्पति देवता के गुरु। तो ये देव गुरु बृहस्पति बोलते, देखो देवता इस समय असुर के ऊपर ब्राह्मणों की कृपा है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है और ब्राह्मणों के आशीर्वाद के सामने तो भगवान भी हाथ खड़े कर देते हैं। तुम तो खैर तुम देवता हो, इस समय भलाई तुम्हारे ये है कि तुम यहाँ से स्वर्ग से भाग जाओ। तो सारे देवता भाग गए और असुर जैसे ही स्वर्ग के ऊपर आए, देखे वहां पे कोई है नहीं, बलि महाराज सिंहासन पे बैठ गए। और सिंहासन पे बैठने के बाद शुक्राचार्य बोलते हैं, देख बलि तुम्हें अभी स्वर्ग का सिंहासन मिल गया, ब्राह्मण तुम्हारे सब तुम्हारे तुम्हारे पक्ष में आ गए, ब्राह्मण का आशीर्वाद भी मिल गया। अब देखो, बोले एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? अगर तुम स्वर्ग के सिंहासन परमानेंट के लिए चाहते हो तो सतत कृतम भवा, 100 यज्ञ कर लो, फिर तो झटपट अगर 100 यज्ञ करोगे तो ये स्वर्ग से तुम्हें कोई भी हटा नहीं सकता। जो आज्ञा गुरुदेव। नर्मदा नदी के तट पे भृगुकच्छ नाम का एक स्थान पे बलि महाराज जी ने 100 यज्ञ किया, जिसमें सारे ब्राह्मणों को बुलाया, निमंत्रण किया, गुदगाता ब्रह्मा होता और स्वयं यजमान रूप में बलि महाराज बैठे हैं और गुरुदेव शुक्राचार्य के द्वारा ये हवन करवाए। और जैसे ही हवन करते हैं, इतने में कश्यप ऋषि के दो पत्नी दीति और अदिति, ये अदिति माता के जितने भी पुत्र हैं ये सारे देवता बन गए। तो ये अदिति माता बड़े प्रसन्न हो गए। अब माए दुखित हो गई, क्योंकि माता के मन तो बड़ा कोमल होता है और जितने भी देवतागण है इनके सब ये पुत्रगण है, तो सारे वन में इधर उधर भटक रहे हैं। तो इन्होंने कश्यप ऋषि के पास गए, प्रभु मुझे कृपा करके कुछ उपाय बताओ, ऐसा अगर 100 यज्ञ हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, ऐसा अगर 100 यज्ञ हो जाए तो 100 यज्ञ होने के बाद तो पूरा असुर पूरा शासन करने लगेंगे। तब कश्यप ऋषि ने अदिति माता को पयो व्रत करने के लिए बोला। भाई ये व्रत कैसे किया जाता है ना, कब किया जाता है ये व्रत? तो पयो व्रत बोलते हैं श्रावणम शुक्लम द्वादशम फाल्गुनम कृतभाद्रवा। फाल्गुन में किया जाता है ये 12 दिन का व्रत रहता है। पयो यानी दूध पी के ये व्रत करते हैं और दूध पी के ये व्रत करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करते हैं, शुद्ध स्नान करते हैं। इस प्रकार जैसे ही अदिति माता ने पयो व्रत किया, एक दिन भगवान उनके सामने साक्षात रूप में प्रकट हो गए और भक्तवत्सल भगवान ही है। भगवान बोले, देख अदिति मैं तुम्हारे मन के बात जानता हूँ, मैं उचित समय पर निश्चित रूप में तुम्हारे ही पुत्र बन के आऊंगा। ऐसे कहकर भगवान अंदर ध्यान हो गए। अब जैसे भगवान अंदर ध्यान हो गए, उचित समय आया, भाद्रव महीने के शुक्ल द्वादशी तिथि पे, द्वादशां शुक्लाभिजीत मुहूर्तम सुनियाम प्रभु। द्वादशी की तिथि पे शुक्ल अभिजीत मुहूर्त और उसमें सूर्य चंद्र आदि बड़े ऊंचे ऊंचे नक्षत्र पूरा सब अनुकूल अवस्था में है और उसी समय पे भगवान वामन देव प्रकट हो गए। और भगवान वामन देव की, अब भगवान वामन देव प्रकट हो गए, देखते ही 5 साल के आयु हो गया भगवान का, देखते ही 5 साल का आयु हो गया। और भगवान ने जैसे ब्राह्मणों का विचार है, एक द्वादश संस्कार में से एक संस्कार जनेऊ संस्कार भी है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि सारे ब्राह्मण ब्राह्मण उत्पन्न होने के पश्चात उनको जनेऊ संस्कार किया गया। इसमें से देव गुरु बृहस्पति इनको जनेऊ देते हैं और जितने भी सारे वहाँ पे उपस्थित थे सबके सब उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं और सारे के सारे
चंद्रमा उनको दंड प्रदान करते हैं, आकाश उनको छत्र प्रदान किया, वसुधा उनको चरण पादुका प्रदान किया, सरस्वती अक्षमाला प्रदान किया, ब्रह्मा कमंडल प्रदान किया, सप्तऋषि कुशाग्र प्रदान किया, और वेद आदि सब सब चीज देवतागण पुष्प वृष्टि करने लगे, दुंदुभी वाद्य बजने लगा, शंख वाद्य बजने लगा और भगवान का जय जयकार होने लगा। अब इतने में भिक्षा करने के बाद सारे के सारे बामन देव ने क्या किया, देव गुरु बृहस्पति को दे दिया। अब बृहस्पति बोलते हैं, देखो बामन देव, इतने में काम नहीं चलेगा। बोले क्या चलेगा, तो एक काम करना पड़ेगा, आपको जाके भिक्षा करना पड़ेगा, त्रिभुवन का संपत्ति लाना पड़ेगा बलि से। तब इतने में बोल वामन देव ही, एक चेयर दे दो उसको, बामन भगवान के की चेयर दे दो। तब बामन देव चेयर, तब वहां पे बामन देव बलि महाराज जी के पास जाते हैं। तो जैसे ही बलि महाराज जी के पास गए तो बलि महाराज जी उनको देख करके स्वागत किया, उनका चरण प्रक्षालन किए और सब लोग खड़े होके उनका स्वागत अभ्यर्थना आदि करते हैं। आप सब लोग बैठ जाओ, हरे कृष्णा। अच्छा बैठ जाओ, खड़े को मत हो, बामन देव को बैठा दे, बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ चेयर में बैठ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अब बामन देव को देख करके चौंघट बामन दुष्कर्म, इतने सुंदर बामन देव को देख के बलि महाराज बोलते हैं, प्रभु कृपा करके बताओ क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको बताओ कृपा करके। तो बामन देव बोलते हैं, देख बलि, मैं तो तुमको देव मिलने के लिए आ गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बामन देव को बलि महाराज देख के हंसते हुए बोलते हैं, प्रभु देखो ब्राह्मण का बेटा ना बिना कारण से कहीं नहीं जाता, आप यहाँ आए हो तो निश्चित रूप में आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए, आप शर्माओ मत। जगत बोलते हैं शर्मा जी, वो ब्राह्मण ही गया है तो शर्मा गया, आप खालिद में ही शर्मा रहे हो, आप शर्माओ मत। गाम कांचन गुणवत अथवा विप्र कन्या, गाय चाहिए, कांचन चाहिए, विप्र कन्या। आप अगर बोलोगे मैं अभी बटुक बोना हूँ तो आपके लिए कहीं से एक छोरी ढूंढ के ले आऊंगा। आप बोलोगे कि घर चाहिए, मैं आपको पूरा राज्य एक गाँव दे दूंगा, हाथी दे दूंगा, घोड़ा सोना चांदी सब दे सकता हूँ। भगवान बामन देव बोले, देख बोले मुझे तो सोना चांदी कोठा कोठी कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं तो तुम्हें देख बस मिलने के लिए आ गया, लेकिन तुम्हें एक बात है कि तुम्हारे जो पूर्व पुरुष के भांति तुम बड़े वीर हो, तुम्हारे पूर्व पुरुष के महिमा वर्णन कर रहे हैं, तुम्हारे जो पिता जो विरोचन उन्होंने तो आयु दे दिया था, अपने आयु देवता को दे दिया था, और हिरण्यक्ष हिरण्यकश्यप तो क्या कहना, कितने तेजवान थे। तो इस प्रकार बामन देव ने उनका बड़ा महिमा गुणगान किया। अब बलि महाराज जी का सीना थोड़ा चौड़ा हो गया, बलि महाराज बोलते हैं, प्रभु आप कृपा करके कुछ मांग ही लो। तो बामन देव बोलते हैं, देख तुम अगर बोल रहे हो ना, मैं तुम्हें एक चीज मान लेता हूँ, ददानि त्रीणि पादानि कृत्यां पदम नमः, मेरे पांव से तुम क्या करो, मुझे तीन पद के भूमि दे दो। बलि तो ठाका मार के हंसने लगा, बोले मुझ जैसे बलि को त्रिभुवन के जो राजा हूं मैं, आप बोले तीन पग के भूमि, इतने में तो आप बैठ भी नहीं पाओगे, आप अगर बोलोगे तीन पग के भूमि बोल रहे हो मुझ जैसे, जगत बोलेंगे बामन को तो मांगने नहीं आया, क्या बलि को देना भी नहीं आता था, तो आप कृपा करके और कुछ मांग लो, सोच लो आप। बामन देव बोलते, नहीं नहीं बलि, मुझे ना बस आसन लगा के बैठ कर भजन करना चाहता हूँ, एक जगह पे बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, अपने चरणों में तीन पग भूमि दे दो। अब इतना संतोषी ब्राह्मण शुक्राचार्य ने बोले कि मैं तो बड़े बड़े अष्टोत्तर यज्ञ किया हूँ, इतना संतोषी ब्राह्मण तो कभी देखा ही नहीं, इस प्रकार का संतोषी ब्राह्मण मैंने कभी नहीं देखा। तो शुक्राचार्य का आंख टेढ़ी हो गई, शुक्राचार्य ध्यान करने लगे। अब इतने में बलि महाराज जी को बोलते, देख तुम्हें देना है तो दो, नहीं तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इस समय संध्या स्नान करने का समय हो गया, मैं अभी जा रहा हूँ। अब इतने सुन के शुक्राचार्य के बात सुनकर ही वहाँ पे बलि महाराज जी वहाँ पे देखते हैं कि संकल्प करते हैं, और जैसे ही संकल्प करके जल छोड़ा तो उससे पहले ही शुक्राचार्य बोलते हैं कि सावधान बलि, ढंग से देखो ये कौन है। बोले प्रभु बामन है। अरे ढंग से देखो, ये बामन है ना त्रेपन है,
अरे ये असुर का वही जो छोरी बन के आया था वो मोना बन के आ गया। तब तो बोली महाराज बड़े एक शिक्षा वाला बात बोलते हैं, बोला हरे कृष्णा ध्यान से श्रवण करे कि बलि महाराज कह रहे हैं अगर ये अगर ब्राह्मण है तो यहाँ से सीधा सीधा तीन पग चरण में अपने जगह लेके चले जाएंगे, अगर ये भगवान है जिन भगवान के हाथ पास हम हाथ पसारते हैं ये आज मेरे द्वार पे आके भिक्षा मांगने आए, भला मैं इनको कैसे नहीं दूं, मैं इनको किस प्रकार नहीं दूं। तब इसमें शिक्षा देते हैं गोस्वामी जी, बोलते हैं कि अगर हमारा अगर बलि तेज गुरु, बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग कर दिया, बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग कर दिया, तेजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को त्याग कर दिया, अगर वो भी हमारा कितने भी परम स्नेही हो क्यों ना हो, अगर वो हमारा बैरी है भगवान के अगर कार्य में वो बाधा दे रहा है तो उसको हम तेजवी सुनाई परम बैरी, उसको हर इतने बैरी के समान कोटि बैरी के समान उसको त्याग करना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण गण थे वो लोग स्वस्ति वाचन करने लगे और वहां पे श्री शुक्राचार्य ने बोले अश्राद्ध भ्रष्ट दे श्रेय तुम्हारे सारे श्रीहीन हो जाओ। अब बलि महाराज जी ने वहां पे जैसे ही चरण संकल्प जल नीचे छोड़ा तो वहां पे भगवान वामन देव विराट काय रूप होकर प्रकट हो गए, बोलते विक्रम भगवान की, एक पांव में तो भगवान ऊपर के सारे लोग ले गए, बलि का राज्य तो इंद्रलोक तो था भगवान ब्रह्मलोक तक ले गए और दूसरे चरण में भगवान ने क्या किया अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल तक नाप ले और बलि महाराज जी को वरुण फांस में बांध दे और बोले बलि तुमने तीन पग भूमि का संकल्प किया था, अब बताओ इसमें तीन पग भूमि का संकल्प किया था, दो पग में तो मैं सब कुछ ले लिया, तीसरे पग में कहाँ पे रखूं। बलि महाराज बोलते हैं देखो दानी बढ़ाना दाता बड़ा, दान बढ़ाना दाता बड़ा, बोलते हैं जो दान देने वाला उससे भी बड़ा जो होते हैं जो दान देते हैं। तो प्रभु मैं अभी सारे दान दे चुका हूँ लेकिन मैं स्वयं बाकी हूँ, आप ही तो गीता में कहते हो इदम शरीरम क्षेत्रम क्षेत्रम इति अभिजायते कि हे कौन्तेय हे अर्जुन ये शरीर भी एक क्षेत्र ही है, आप अपने तीसरा चरण मेरे सर के ऊपर रख दो। अब इतने में भगवान वामन देव ने अपने तीसरा चरण बलि महाराज के सर पे रखते हैं और उनको सुतल लोक तक राजा देते हैं और सुतल लोक को राज्य बोलते हैं और बोलते हैं बलि इस समय इंद्र स्वर्ग लोक के राजा है लेकिन अगले मन्वंतर में तुम स्वर्ग के राजा, तुम्हारे लिए अभी से ये फिक्स्ड है। इसलिए ये भगवान ने वामन देव ने बहुत बलि महाराज जी के ऊपर कृपा किया और बलि महाराज जी ने जो नवधा भक्ति है उसमें जो आत्मसमर्पण है ये बलि महाराज जी ने पूर्ण रूप में भगवान के चरण में आत्मसमर्पण किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोल वामन भगवान की, जय गौर प्रेमानंदे। अभी ठाकुर जी आपके पास में कुछ भिक्षा लेने जाएंगे, भगवान को भिक्षा देने का बड़ा महत्व है क्योंकि सारा जीवन ठाकुर हमें खिलाते हैं लेकिन आज ठाकुर जी स्वयं भिक्षा लेने जाएंगे, हम लोग तो थोड़ा थोड़ा उनको भिक्षा देना, जैसे सुदामा ने दो मुट्ठी चिड़वा दिया था ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया, इसको ले जाओ तो बोल बच्चा इसको ले जाओ भिक्षा मांगने के लिए, इसको ले जाओ प्रभु जी भगवान जाओ जाओ आप ले जाओ तेरे द्वार खड़ा भगिवा भगत भर Yeah.
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम बोले कथितो वंश विस्तार भवता सोम सुर जय राज्याम चोभय वंश चरितम परमाधुत ध्यान देखे सुनो जब से सुखदेव गोस्वामी अभी कृष्ण की जन्म उत्सव को वर्णन करने जा रहे हैं जैसे एक व्यक्ति एकदम धूप से आया हुआ हो प्यास से तुम्हारे छाती फट रहा है अगर उसको एक ग्लास कोई जूस देगा तो क्या करेगा वो पूरा के पूरा एक साथ में पान कर लेगा उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी उन्होंने भागवत का एक श्लोक बोल करके पूरी भागवत कथा को उन्होंने समाप्त कर दिया बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की आगे बच्चे को ले जाओ भैया इसको ले जाओ बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जब उन्होंने एक श्लोक में कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हुए और कैसे उन्होंने गए गोकुल में और गोकुल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बड़े धूमधाम से कैसे वहां पर उत्सव मचा कृष्ण कैसे पुतना को मारे सकटासुर को त्रिनाभर्त को बकासुर अघासुर को कृष्ण कैसे मारे कालियों के सर पर कैसे ठाकुर जी नृत्य की और कैसे कृष्ण कनिष्ठ अंगुल में श्री गिरिराज गोवर्धन को कैसे उठाए और कृष्ण कैसे 100 करोड़ गोपियों के साथ में कृष्ण कैसे रास रचाए उसको बाद में कृष्ण मथुरा में गए कंस को उधार की द्वारका में जाकर के 16,108 पटरानियों से शादी की और एक एक महिषियों से 10-10 बेटे और एक एक बेटी हुई और उन्होंने ब्राह्मणों से अभिशाप को ग्रहण करते हुए प्रभास क्षेत्र में ठाकुर जी अपना अंतिम लीला को उन्होंने प्रकट किया इतना बोल कर गए बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अरे जोर से बोलो अभी ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं इतने जोर से ठाकुर का नाम लो ठाकुर जी गोलोक वृंदावन छोड़ कर यहाँ आ जाए बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हाँ अभी लग रहा है जयकार में कुछ ताकत है तब श्री सुखदेव गोस्वामी उन्होंने जयकार देकर कथा को विश्राम कर दिया उन्होंने विश्राम कर हरे कृष्णा अरे बच्चों गोद में रखो जब कृष्ण जन्म लग ले उन्होंने जयकार देकर के कथा को विश्राम कर दी ध्यान रखे इसमें कोई बात मत करो इतने में परीक्षित महाराज बोले क्या कथा विश्राम हो गया बोले हो गया ना पूरी की पूरी हमने कृष्ण कथा सुना दी बोले मैं तो 4-4 दिन से एक इंतजार में हूँ कब कृष्ण कथा आएगा और मैं दिल भर करके मन को भर करके कृष्ण कथा सुनूंगा आप तो अगस्त ऋषि जैसे एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र को जैसे पान कर लिया आप तो एक श्लोक में पूरी की पूरी कृष्ण कथा सुना दी इसलिए मैं जब माँ की गर्भ में था जिस समय अस्वस्थ माने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया उसी समय ठाकुर जी मेरे माँ की गर्भ में प्रवेश करते हुए उन्होंने मेरे को अपना प्राण दान दिया था मैं तो केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से बैठा हुआ लेकिन आपको एक श्लोक में पूरी की पूरी कृष्ण कथा सुना दी इतने में सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित 4-4 दिन हो गया तुमने थोड़ा पानी तक भी नहीं पिया थोड़ा तो पानी तो पी लो बोले तो पानी के लिए तो जितना गड़बड़ी हुई ना मैंने श्रमिक आश्रय में पानी पीने के लिए गया पानी नहीं दिया तो उनको गले में मृत सर्प को मैंने डाल दिया और श्रृंगी ऋषि ने मेरे को अभिशाप दी ये पानी की वजह से ही जितने ये झगड़ा हुई है आप पानी की क्यों बात कर रहे हो आपके मुखार बिंद से ठाकुर जी की कथा श्रवण करते करते मेरा हृदय इसमें ही भर रहा है आप पानी की बात मत करो आप कृष्ण कथा सुनाते रहो इसी से मैं तृप्त हो रहा हूँ तब श्री सुखदेव गोस्वामी फिर तो उन्होंने श्री कृष्ण की कथा उन्होंने श्रवण कराई बोले जो भगवान की कथाएं हैं कैसे है निवृत तस्य रूप गीयमानात्
भगवान की कथा कैसे है, मतलब तीन गंगा है। एक गंगा है स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, वो गंगा स्वर्ग का कल्याण करती है। एक गंगा है मर्त्य जगत में जिसका नाम भागीरथी, ये मर्त्य जगत का जो कल्याण करती है। एक गंगा भोगवती जो पाताल में रहती है, जो पाताल लोगों को कल्याण करती है। उसी तरह जो कृष्ण कथा है ये भी तीन लोगों को कल्याण करने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले और प्रश्न करने वाले। और भगवान की कथा कैसे है, बोले जो परम मुक्त महापुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी, चतुसन जैसे ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानियों का मन को भी जो आकर्षण करता है। इसलिए बोले आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंध अभिक्रमे कुर्बन अहित भक्ति इतम भूत गुणहरी। हरि की गुण की इतने महिमा है, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी आकर के प्रभु की भजन में लग जाते हैं। कृष्ण कथा कैसे, अगर कोई भव सागर से पार होना चाहते हैं, सबसे जो मीठी दवा है भगवान की कथा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित, तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल बैठो और भगवान की कथा सुनो। कथा सुनते सुनते ही तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सबसे मीठी दवा प्रभु की कथा है। तब उन्होंने सुंदर उन्होंने कृष्ण की कथा सुनाई। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह व्यतीतत्वत त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नैति मामेति। सो अर्जुन, बोले अर्जुन मेरा जो जन्म और जो कर्म है ये अपराकृत और अलौकिक है। इसको जो तत्वतः जो जान ले, पर शरीर छोड़ने का बाद दोबारा शरीर कभी धारण नहीं करता है। मैं अज्ञ होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। बोले क्यों लेते हैं, बोले अनुग्रहाय भक्तानाम करोमि विविध क्रिया। मैं भक्तों को पर मैं अनुग्रह करने के लिए मैं जगत में जन्म लेता हूँ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले जिस समय कंस ने इतने उसने अत्याचार उसने जगत में की, इतने अत्याचार उसने, बोले मेरे देश में कोई भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते हैं, भजन नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते हैं। जितने साधु संतों को जेल में बंद करवा दो, और अपना पिताजी को उन्होंने स्वयं बंदीशाला में डाल दिए। अभी कंस की अत्याचार से पृथ्वी बड़ी दुखी होकर के उसने गई ब्रह्मा जी को पास में, ब्रह्मा शंकर जी को पास में, फिर इंद्र को सबके सब लेकर के खीर समुद्र के तट पर जाकर के पुरुष सूक्त मंत्र से भगवान को स्तुति करते हैं। इतने में आकाशवाणी हुई है, देवताओं तुम लोगों का दुख मैंने जान लिया है, जाओ तुम लोग सबके सब जदुवंश में जन्म ग्रहण करो। हे गोपियों तुम लोग सबके सब गोपी गोप गृह में गोपी बन करके आओ। इतने में कंस ने अपना बहिन देवकी को उन्होंने बड़े धूमधाम से शादी कराया और स्वयं सारथी बन करके उनको विदाई दे रहा था। बीच में आकाशवाणी हुई, बोले रे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने पूर्वक आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, सारथी बन करके विदाई दे रहे हो, उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा ये आकाशवाणी, ये देवता का वाणी, ये कभी झूठी नहीं हो सकती है। इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अपना म्यान से तलवार निकाल करके देवत को चोटी पकड़ करके जब मारने जा रहा था, वसुदेव का एक नाम है आनक दुंदुभी। तात्पर्य यह है जब वसुदेव महाराज जन्म हुए उसी समय में स्वर्ग में देवता लोग भी दुंदुभी बजाए। क्यों, ये भगवान के पिता है। तब वसुदेव महाराज कंस को तरह तरह से समझाने के लिए कोशिश किया। बोले देख कंस, तुम्हारी बेटी की बहन बहन की शादी है, अगर अपना बहन को मारोगे ना, दुनिया तुमको क्या बोलेगा। बोले बहन की हत्यारा है, ये कोई जीवन है तुम्हारी, इसलिए अपना बहन को मारोगा। बोले आकाशवाणी नहीं सुनी। बोले भैया मैंने भी सुनी है। बोले फिर, बोले ये बताओ तुम मरोगे नहीं।
बोले अद्य अब्द सतांते बा प्राणी वही मृत्यु नाम ध्रुव आज हो नहीं तो 100 साल हो एक दिन सबको मरना ही पड़ेगा। लेकिन ये कौन मरता है कभी ये शरीर, लेकिन ये आत्मा कैसे है बोले न जायते न मृियते आज जो नित्य शाश्वत ये आत्मा है नैनम छिंदति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न च न क्लदंत नैन सोचति मारुक ये आत्मा 6 विकार से ये अतीत है केवल ये शरीर ही मरती है। आत्मा तो एक शरीर से केवल दूसरे शरीर में चली जाती है। तरह तरह से समझाने के लिए कोशिश की लेकिन वो किसी तरह से समझना नहीं चाह रहा था। तब वसुदेव बोला देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जितने सारे बच्चे होंगे सारे बच्चों को तेरे को मैं हवाला कर दूंगा, तू सारे बच्चों को मार दे लेकिन अपना बहनी को मत मारो। तब वो प्रसन्न होकर के वो दोनों को उन्होंने जेल में डाल दिए। जब पहला बेटा हुआ कीर्तिमान तो उन्होंने कंस को हवाला कर दिया। कंस तो खुश हो गया बोला अपना बेटे को प्रसन्न हो गया। बोले ठीक है तेरे सत्यवादी था मैं संतुष्ट हूँ तू ये बच्चे को ले जा। अष्टम गर्भ का संतान से बड़ा मतलब है। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो रहा है। बोले क्या है। बोले ठाकुर जी कब आएंगे। बोले जब पाप की घड़ा भर जाए। लेकिन इसके हृदय में तो दया की भाव आ रहा है ठाकुर जी आने में देर करेंगे। इतने में श्री नारद जी बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। ये माइक का साउंड था तेज कर सकते हैं। इतने में श्री नारद जी आ गए। आ करके के बगीचा में कंस को गुप्त रूप में बुलाया। बोले देख कंस मैं अभी अभी ये स्वर्गपुरी से आ रहा हूँ। देखा पितामह ब्रह्मा जी समस्त देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे। उसका विषय वस्तु है तेरे को कैसे मारेंगे। बोले सावधान ये जितने जदुवंशी और कोई नहीं सब देवता लोग हैं। जितना गोपियां सब देवियां ये सब सब प्लानिंग करके तेरे को मारने के लिए आए। तब उन्होंने कमल फूल लाए थे जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। बोले बोला था कि पहला नंबर कौन और 8वां नंबर कम गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उल्टा से गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले समझ में आ गया। बोले बगैर गुरु से थोड़ी ज्ञान मिलता है। बोले अरे तू इधर से गिन रहे हो 1 2। अगर कंस अगर उल्टा से गिने तो देखना जो 1 है ना वो 8वां हो जाएगा। जब 8 बच्चे जन्म लेंगे बड़े होएंगे कि नहीं। बोले हाँ इस सब तेरे को मीन करके मारेंगे। बोले गुरु जी फिर तो ये सबको मैं मारता हूँ। बोले भैया मैं क्यों बोलू तू जानता तेरा काम जानता। भड़का दिया। एक नारद जी वहां से भाग गए। इतने में कंस ने देवकी के 6 बच्चों को उन्होंने मार डाले। देखो अभी यहाँ प्रश्न होता है भैया नारद जी इतने बड़े भगत है और उन्होंने बच्चों को क्यों मरवा डाले। ये कोई संतों का काम थोड़ी है। बोले नहीं ये नारद जी को इनको पूर्व चरित्र पता है। ये ब्रह्मा की मानस पुत्र ये मरीच थे। एक समय ब्रह्मा जी एक सुंदरी लड़की को उन्होंने सृष्टि की। वो लड़की इतनी सुंदरी थी वो अपना लड़की को देख कर गई। नारद जी उसको पीछे 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 भागे थे। इसलिए ये बच्चों ने हंसी उड़ाए तो ब्रह्मा जी इनको अभिशाप दिया था। बोले मेरे को देख कर हंसी उड़ाए तुम अपना पिताजी को हाथों में 3 जन्म तक मर करके तुमको मुक्ति होगी। अभी 2 जन्म मर चुके हैं। ये जो कंस पहले जीवन में ये काल निमित्ता नारद को सारी बात पता है इसलिए उन्होंने मरवाया नहीं उनको उन्होंने मुक्ति करा दिया। बोले श्री नारद बाबा की कहते ये एक अर्थ है। अब 6 बच्चों को मारे इसका तात्पर्य क्या है। भगवान ये अष्टम गर्भ में क्यों आए ध्यान देकर सुनो अच्छे तरह से। बच्चे कोई बात मत करो कल मैं सबको पूछूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। भगवान ये अष्टम गर्भ में क्यों आए। बोले इसका 2 कारण बताया। जैसे क्लास 1 2 3 4 5 उसी तरह भक्ति का भी 8 स्टेजेस हैं। भक्ति का पहला जो स्टेज है श्रद्धा। जैसे आप लोग के अंदर में भक्ति श्रद्धा है तभी तो घर छोड़कर यहाँ पर आए हो कथा सुनने के लिए। अगर श्रद्धा नहीं होता तो आप यहाँ बैठते नहीं। ये भक्ति का पहला स्टेज।
बोले दूसरी स्टेज क्या? बोले साधु संघ श्रद्धा है आए तभी यहाँ पर सत्संग से आप भगवान की कथा सुन रहे हो, ज्ञान को आहरण कर रहे हो। जो तीसरी जो स्टेज है भजन क्रिया, भजन क्रिया मतलब है कितना बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलता है, और बगैर सत्संग से जिनको ज्ञान ही नहीं होता है। लेकिन जब हम सत्संग करेंगे तभी ज्ञान मिलेगा। बोले क्या ज्ञान मिलेगा? बोले ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, भगवत ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, जाना कहाँ। जब सत्संग में हम मिलेंगे तभी पता चलेगा हम जीव कौन हैं। वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके सब अमृतस्य पुत्रा, हम सबके सब ठाकुर जी के बच्चे हैं। लेकिन ये भगवान को भूलने का वजह से संसार में ये दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। अगर भगवान को पास में जाना तो क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, ठाकुर जी की भक्ति करना पड़ेगा। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान की भजन करेंगे, जो चौथा जो स्टेज है अनर्थन वृद्धि, मतलब जब भगवान का नाम लेंगे हृदय में जो काम क्रोध लोभ धीरे धीरे खत्म होगा है। और पंचवा स्टेज में रुचि, रुचि मतलब क्या है? जैसे अभी बोलो भगवान के नाम करो भजन करो, हमें मन नहीं लगता है। लेकिन टीवी खोल के ना 3-3 घंटा बैठ जाते, लेकिन बोलो 10 मिनट भी प्रभु का नाम जप कर मन ही नहीं लगता। क्यों? हमारे हृदय में पाप है, काम क्रोध लोभ मोह बद मात्सर्य असत तृष्णा हृदय द्रवल्य अपराध से भरा पड़ा हुआ, इसलिए भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है। फिर क्या करो? बोले भगवान के नाम ग्रहण करो। महाप्रभु कहते हैं चेत दर्पण मार्जनम, जैसे किसी शीशा में धूल जम जाए अपना सूरत चेहरा नहीं दिखता है, क्या करो? वो धूल को साफ करो। बोले शीशा का धूल तो हाथों से साफ करोगे, कपड़े में धूल लग गया तो साबुन सोडा में साफ करोगे, लेकिन हृदय में जो धूल जमा हुआ उसको कैसे साफ करोगे? क्या तो उसको साफ करने के लिए केवल एक उपाय है, भगवान के नाम ग्रहण करना, भगवान की नाम को जप करना। इसलिए जब भगवान हृदय साफ हो जाएगा फिर भगवान के नाम में इतने आसक्ति इतने मीठी लगेगी, फिर तो दिन भर लगेगा ठाकुर भजन ही करते रहो। इसको कहते रुचि। अब जो छठवां जो स्टेज है कहते ये क्या है? निष्ठा। हाँ ध्यान देकर सुने एकदम, निष्ठा मतलब क्या है? जैसे अभी हम भगवान की भजन करते हैं, आप देखना घर में अगर थोड़ी मोड़ी कोई दुख कष्ट आ जाए ना, आप देख लेना खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, ये माला ही छोड़ देंगे। मतलब भगवान के भजन को छोड़ने के लिए तैयारी बैठे हैं। लेकिन और कोई चीज छोड़ता है क्या? देखना खाना छोड़ते हैं, घूमना छोड़ते हैं, सारी चीज काम, लेकिन प्रभु का भजन ही छोड़ देते हैं। इसलिए निष्ठा मतलब है, जैसे मीरा है, नाम सुने कि नहीं मीरा? जब ये मीरा माई ने भजन की, उसका जेठ ननद सास ससुर यहाँ तक भी गांव के कुत्ता तक भी उसको पीछा नहीं छोड़ा, सबके सब पीछे पड़ गए। अब देखना दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है, बेटा शराब पीता है जुआ खेलता है, दुनिया कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर गले में कंठी तिलक लगा तो प्रभु का भजन करो। बड़े बड़े भक्ता नहीं बन गए, इतने मोटे बड़े बड़े तिलक लगाती है, है? ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है। निष्ठा मतलब होता है उसी समय में इतने पक जाते हैं, इतने दृढ़ता पूर्वक भक्ति करते, जैसे मीरा के ऊपर में सारा दुनिया की अत्याचार आई, लेकिन उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं छोड़े, भगवान को उन्होंने नहीं छोड़े। अब देखो दुनिया में किसकी नाम हो रही है? मीरा की नाम हो रही ना, उसको जेठ देवर की नाम हो रही है। किसका नाम हो रही है जगत में? बोलो किसकी नाम हो रही है? हाँ, इसको कहते हैं निष्ठा। निष्ठा मतलब पक्के बन जाते हैं। उसको बाद में आसक्ति का भाव, बोले आसक्ति अवस्था क्या है? बोले अगर ऐसे दृढ़ हो जाएगी ना, कभी कभी ठाकुर को मीठी मीठी बंसुरी सुनने को मिलेगी, कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए मेरे को अधरा कर तो पिला कर गए, कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर को चरण की नुपुर की छमछम आवाज आएगी, कभी कभी ऐसे लगेगा माना ठाकुर जी आए मेरे को स्पर्श करके गए, उस समय कृष्ण की अनुभूति होने लग जाएगी।
हम जो प्रेमावस्था में साक्षात गोलोक वृंदावन से श्री बांके बिहारी गोलोक वृंदावन छोड़ करके आपका सामने साक्षात रूप में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कृष्ण अष्टम स्टेज में आए, ठीक है। दूसरी अर्थ सुनो, जैसे कंस ने छह बच्चों को मार डाले, ये छह बच्चे मतलब क्या है? अगर कोई हृदय में भगवान को बैठना चाहते हैं, हमारी सबसे बड़े जो शत्रु छे बोले ये कौन है? ये बच्चों को बैठा हुआ सामने, बोले ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, बोले पहले इसको खत्म करो। बोले सप्तम गर्भ में बलदेव प्रभु, कहते ये बलदेव प्रभु कौन है? ये संधि शक्ति के अधिष्ठात्री देवता, जो भगवान को हृदय में धारण करने वाले श्री दाऊ भैया। बोले अष्टम गर्भ में से कृष्ण आए हैं, इसलिए कृष्ण अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आते हैं। अभी ठाकुर जी जन्म ग्रहण करने वाले, लेकिन भगवान की जो जन्म है, जैसे हम लोग जन्म हुए, हमारी जन्म कैसे हुई? कहते उसको कहते शुक्र जन्म। शुक्र जन्म मतलब है जैसे पिता माता के मिलन से हम जन्म हुए, और हमारी जो शरीर है कहते खिति जल गगन पावन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, ये मिट्टी वायु जल आकाश से बना हुआ। लेकिन भगवान की शरीर कैसे है? बोले सचिदानंद रूपाय, भगवान शरीर हमारे जैसे शरीर नहीं, सत चीत और आनंद से बना हुआ भगवान की शरीर है। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। हे अर्जुन, मेरा जो जन्म और जो कर्म है अवलोकिक दिव्य और अपराकृत है। इसलिए भगवान सर्वप्रथम श्री वसुदेव के हृदय में आए। वसुदेव महाराज देवकी को बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण की कथा सुनाई। भगवान शब्द ब्रह्म रूप में श्री देवकी के हृदय में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। एक दिन कंस आया देखने के लिए, तो पूरा उजला उजला, कंस समझ गया मेरे काल जन्म ले लिया। अभी कंस को चैन नहीं, दिन बार काले काले मुरली वालों की याद कर रहा है, मेरे काल जन्म लेने वाले दिन रात याद कर रहे हैं, हैं? अभी ठाकुर जी अभी प्रकट होने वाले स्वर्ग में समस्त देवता लोग प्रकट होकर के भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य सत्य सजोनी सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणं प्रपद्ये। जितने देवता भगवान को जिनकी धाम सत्य, जिनकी भक्त सत्य, जो जिनकी प्रतिज्ञा सत्य, त्रिकाल सत्य, सनातन कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी ठाकुर जी जन्म होने वाले, अब देखना कोई साधारण कोई मंत्री अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए ना, देखना कितने स्वागत, क्या स्टेज, कितने पैसा खर्च करते हैं। और जहाँ पालनहार विश्व ब्रह्मांड का मालिक जन्म ग्रहण करने वाले, कहते अतः सर्व काल पेत काल पर ठाकुर जी आएंगे। इसलिए पूरा वृंदावन धाम दुल्हन जैसे सज गई सुंदर रूप में, क्यों? मेरे प्रियतम आ रहे हैं। और ठाकुर जी हर अवतार में पृथ्वी के ऊपर में कृपा की। सत्य युग में भगवान वराह अवतार लेकर के ठाकुर जी पृथ्वी को उन्होंने उद्धार किया था, हैं? और जिससे नरकासुर प्रकट हुआ है। त्रेता युग में माँ सीता कहाँ से प्रकट हुई? कौन बोलेगा? बोलो माँ सीता कहाँ से प्रकट हुई? मिट्टी से, पृथ्वी से। इसलिए राम के साथ में सीता की शादी हुई, तब ये पृथ्वी का संबंध भगवान से क्या हो गया? सासू माँ। क्या हो गया? सासू हो गई, हैं? उनकी सास बन गई। बोले त्रेता युग में भी ठाकुर जी मुझे अपना सास बनाए। अभी द्वापर युग आया, यही पृथ्वी ही द्वापर युग में ये सत्यभामा रूप में आने वाली। और ठाकुर जी नंगे पैर में वृंदावन में गोचर न करेंगे, इसलिए पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो रही थी। और जो यमुना पटरानी, तो यमुना तट से कलकल कलकल नाद करते हुए बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कलकल नाद से प्रभावित हो रही थी। बोले क्यों?
बोले कृष्ण भजक अपना पटरानी बनाएंगे वृंदावन में, वही कालिंदी श्री यमुना पटरानी मथुरा में और वृंदावन में, ये विशाखा सखी रूप में प्रकट होएगी और भगवान जल विहार करेंगे। इसलिए बड़ी संतुष्ट प्रसन्न हो रही थी, जो दूसरे दूसरे नदी भी खुश हो रही थी। बोले किस लिए? बोले ये यमुना है, ये बड़ी बहनी है और दूसरे दूसरे जो नदी है ना, ये सबके सब उनकी छोटी बहनी है। और ठाकुर जी जब यमुना से शादी करेंगे, जो दूसरे दूसरे नदी उनकी क्या लगेगी? साली बन जाएगी। क्या बन गई? जोर से बोलो साली। आप देखना कभी कभी जो दामाद है ना, अपना पत्नी से ज्यादा शादी कभी साली को ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए दूसरे दूसरे नदी खुश हो रही थी, ठाकुर जी अपना साली बनाएंगे हमें, है। इसलिए सारा दुनिया जय जयकार कर रही थी। कहते ये कमल फूल का कब खिलता है? बोले दीप में सूर्य का किरण से। लेकिन आज कमल फूल खिल गया। बोले कारण क्या? बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। जब संत जन ठाकुर जी को जो उदाहरण देंगे, भगवान की नेत्र कमल, हस्त कमल, नाभि कमल, चरण कमल है, सब कमल कमलों के साथ उदाहरण देंगे। इसलिए रात में भी ये कमल फूल रात में भी खिल गया। लेकिन कृष्ण जब प्रकट हुए भादो की महीना बुधवार, बुधवार में अष्टमी का तिथि में ठाकुर जी आए, और अष्टमी का जो चंद्रमा वो आधी होता है, लेकिन आज चंद्रमा पूर्ण रूप में चंद्रमा प्रकट हो गई। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी आज मेरे वंश में आ रहे हैं ठाकुर जी, इसलिए बड़ी प्रसन्न हो गई चंद्रमा। इतने में आकाश में काला मेघ छाया हुआ था, और मेघ होता है कहा? मेघ होता है नीचे और चंद्रमा होता है ऊपर में। इतने में चंद्रमा और मेघ में लड़ाई होना शुरू हो गया। चंद्रमा बोलता है मेघ मेरे सामने हट जा। बोले क्यों? बोले तेरे को पता नहीं आज ठाकुर जी मेरे वंश में आ रहे हैं। मेघ बोले तेरे को पता नहीं है ठाकुर जी मेरे रंग लेकर के आ रहे हैं। बोले तेरे रंग तो लेंगे लेकिन ज्यादा सौभाग्य मेरी है। देवता लोग बोले भैया लड़ाई करने का समय नहीं, आनंद लेने का समय है, तू भी थोड़ा हट जा, तू भी आनंद ले और चंद्रमा को भी आनंद लेने दे। सारा दुनिया जय जयकार कर रहा था और भगवान ठीक रात 12 बजे कंस के कारागार में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब ठाकुर जी प्रकट हुए, भैया जब देव की पुस्तक लिया सत्य कहा, इसलिए जिस समय जिसमें भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज लेकर के, देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको तो मैंने पुत्र रूप में प्रार्थना की थी, आप तो चमकीले चमकीले वस्त्र घुंघराली केश और तुमने 16 साल जैसे एकदम शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए। बोले क्यों? बोले मामा कंस अगर मारने आएगा ना, मैं पहले से ही रेडी होकर के आया हूँ, इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले देवकी वसुदेव तुम दोनों पूर्व जन्म में प्रिश्नी और सुतपा थे, बिना खाए पिए सूखे पत्ते खा करके तुम दोनों ने 10,000 साल मेरी तपस्या की। मैंने कहा क्या चाहिए? वर मांगो। बोले आप जैसे हमें एक संतान चाहिए। मैंने कहा भैया मेरे जैसे तो कोई होते ही नहीं। मैंने कहा मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में आ जाऊंगा। बोले देखो अभी मैं बच्चा बन जाऊंगा, मेरे को लेकर गोकुल में छोड़ाना। बोले ये हथकड़ी बड़ी बड़ा हुआ है, हाँ पहरादार जगे हुए, मैं कैसे जाऊंगा? बोले कोई चिंता मत करो, मेरे को अपना सर पर रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। बोले भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री वसुदेव महाराज की जय। बोले श्री देवकी मैया की जय। और इधर देखो बोले जय जय श्री बोले सुस्वागतम कृष्ण, सब स्वागत करो। बोले सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम Thank you.
राधा रानी जन्म लेंगे। आज आप लोग कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो? पीला। दिख नहीं रहे पीला। कल श्री किशोरी जी जन्म लेगी, इसलिए कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन करके आना, ठीक है? कल श्री राधा रानी जन्म लेगी, जो गुलाब रंग है ये अनुराग प्रेम का रंग है, इसलिए राधा रानी का चुंदरी का रंग है गुलाल रंग है, ठीक है? कल सबके सब राधा रानी के बहु उत्सव में आना और राधा रानी की जन्म उत्सव करेंगे। हर्ष लाया है, खड़े हो जाओ हर्ष। कहाँ है आज ठाकुर जी जन्म हुए ना, उन्होंने केक को लेकर लाए हैं। हर्ष, विनोद और पत्नी का नाम क्या है? रजनी। रजनी, हाँ, इनके लिए ताली बजाओ। उन्होंने ठाकुर जी के लोग ने केक लेकर आए हर्ष जन्म ले रहे हैं। और आज जो दिन है ना, आज क्या है? जनवरी फर्स्ट है, नया आज नया साल है, और नया साल में ठाकुर जी जन्म हुए, मतलब क्या है? बहुत बढ़िया दिन है, हमारे हृदय में भी हर समय ठाकुर जी प्रकट होते रहे, जन्म होते रहे। सब काली बजाओ सबके सब, ठाकुर जी को प्रार्थना करो हमारे हृदय में ठाकुर जी का प्रकट हो। Oh,
I'm gonna make it right.